अभयशरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, मित्रला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री भगवान भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुगण की, जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा पुण्य श्याम पुण्य श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की, जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदी मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री रंगनाथ धाम की, श्री रंगनाथ देव भगवान की, गंगा देवी जमुना देवी की, कावेरी मैया की, श्री द्वारिका धाम की, बद्रिका धाम की, अयोध्या धाम की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गाय गौर हरि हरे कृष्ण। तो आप सभी जात्री भक्त वृंद और मातृ वृंद, आज आपके यात्रा में यात्रा के कितने दिन आज है? सातवां दिन। स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यू आर काउंटिंग नाउ। पांचवां दिन। भाई दो दिन तो हो गया, एक दिन तिरुपति फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, यात्रा शुरू किया जब से तब से जब से चलना शुरू किया, जो भी हो ये आपके मध्यम क्षेत्र है, आपके यात्रा ड्यूरेशन का मिड पॉइंट में है आप। नरसिंह क्षेत्र, वेंकट क्षेत्र, अभी रंग क्षेत्र में पहुंचे, ये श्री रंगनाथ भगवान जिनको आप उनके कृपा से बड़ी जल्दी से आप दर्शन कर लिए, कल लेट पहुँच कर भी अब सुबह सुबह जा करके अभी लगभग 9:30 बजे तक तो आप लोग सब दर्शन कर ही डाले। तो ये जो विग्रह को दर्शन किए, अभी तक तो खड़े हुए भगवान दिख रहे थे, बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए भगवान मिले आपको। तो वही जो विग्रह हैं, शेष सज्जा पर भगवान विष्णु गर्भाशायी विष्णु हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, शेष सरिया नाग उनको छत्र की तरह है, लक्ष्मी पद कमल पर विराज मन है। तो ये विष्णु के जो विग्रह आप दर्शन किए, ऐसी किंवदंती है कि युग चक्र के आदि से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा विग्रह पूजित हुए थे, वही विग्रह। क्योंकि ब्रह्मा जी के पापा जी हैं, ब्रह्मा जी उनके नाभि से पैदा हुए, आप देखे बैठे हैं, आप नजर किए होंगे दीवार के अंदर सटे में नाभि कमल गया है। तो ब्रह्मा जी उनको पूजा कर ही रहे थे, तो ब्रह्मा जी के बाद में सृष्टि चक्र में ब्रह्मपुत्र मनु, मनु के वंशज में वैवस्वत मनु, जिनमें इक्ष्वाकु आदि आए, तो सूर्यवंशी के राजा उस विग्रह की सेवा के दायित्व लिए। तो अंततः सूर्यवंश राजा की राजधानी अयोध्या रहा, तो अयोध्या में वो विग्रह सत्यलोक से आकर के उनको ला करके अयोध्या में रखे हुए पूजा कर रहे थे। बाद में जब भगवान राम पितृ आदेश पालन करने के लिए वनवास स्वीकार किए,
पत्नी और भाई के साथ वन में भटकते भटकते पत्नी की चोरी हो जाती है, तो उनको ढूंढते ढूंढते तलाश लेते लेते उन्होंने समुद्र किनारे आ पहुंचे। हम कल जाएंगे जहां, तो वहां से फिर अपने वानर सैनिकों के साथ उन्होंने श्रीलंका पर अटैक करके, रावण के राज्य पर अटैक करके, रावण को वध करके, और जब सीता को उद्धार करके अपने अयोध्या के प्रत्यावर्तन करने लगे उस पर विमान में, तो भगवान के संग जो पाया है भगवान किसे छोड़ेगा। हम देखते हैं यात्रा के दौरान कोई हफ्ता पांच दिन कोई अच्छे भक्त का संग भी करता और छोड़ना नहीं चाहता। वो अयोध्या थी तो जो साक्षात भगवान के संग भी पाया छोड़ना चाहे, दुनिया ऐसी छूट जाएगा उसके सामने, जाने दो। तो इसलिए समस्त वानर सैनिक विभीषण भी, विभीषण तो भगवान ने राजा बनाया, वो बोला जाने दो राजपथ, मैं आपके साथ जाऊंगा, चले सब। उसको विमान तो ऐसा था उसमें कोई रिजर्वेशन टिकट एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता था, जितने आओ कोई एज ग्रुप कोई जेंडर ग्रुप चेक नहीं, सब बैठे चलो, वो अपने आप बढ़ जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। सभी लोड होकर पुष्प विमान से अयोध्या गए, भीषण भी गए थे। भगवान की राज सिंहासन में जो अभिषेक उत्सव हुआ उससे अभिषेकम उसको अटेंड किए फेस्टिवल को, बाद में वो तो कोई आना नहीं चाहते थे, भगवान ने सबके एक जबरदस्ती विदा करना पड़ा, तो जाओ जाओ जाओ। विभीषण बोले यू आर किंग, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाओ। बोला प्रभु ऐसा मत कही, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, कहाँ राक्षस के साथ था, बड़े मुश्किल से आपके संग मिला, नहीं छोड़ के जाऊंगा अयोध्या धाम। मानो भैया मुझे जो राजा बनाया तू एक रहेगा तो किसी चलेगा। जैसे भगवान के मिशन उनके भक्त को ही मिशन होता, भगवान भी आपसे हटा करके प्रचार में छोड़ते, बोले जाओ यू हैव टू प्रीच देयर, और राक्षस को भक्त बनाना है आपको जाना है, फॉर प्रीचिंग पर्पस, फॉर मैनेजमेंट पर्पस, फैसिलिटेटिंग प्रीचिंग। तो विभीषण को भगवान ने भेजे, विभीषण ने रोते रोने रो पड़े, बोले प्रभु आपके विरह सहन नहीं कर सकता मैं, फिर कुछ तो करो, कैसे रहूं मैं, जी नहीं सकता। तो भगवान ने चलो मैं फिर क्या करूं, तो विभीषण ने देखते थे वो विग्रह को अयोध्या में राजभवन में पूजित होता था, बोले ठीक है अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं विग्रह मुझे दे दीजिए, उनको पूजा करके आपके यादाश्त में पूरा कर सकता हूँ, आपके विग्रह तो मैं सहन कर लूँगा, इस विग्रह के सहन करके सेवा करके। तो भगवान को फिर आपने पोस्तानी ब्रह्मा से जो विग्रह उनके परंपरा से सेवित आया था उसको देना ही पड़ा, नहीं तो क्या करे, विष्णु जाने के लिए नाराज नहीं जाने, नहीं जाने, राजपद मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका संग चाहिए। तो भगवान को फिर अंततः उस विग्रह जो उनके ब्रह्मा से लेकर के आया था अभी तक कितने पीढ़ियों से, उस विग्रह को दिए, वही विग्रह जिसको दर्शन किए। तो विभीषण ने अपने विमान में लोड करके उस विग्रह को लेकर जा रहे थे, विशाल विग्रह को। तो यहाँ ये कावेरी नदी अब तो सूख गया है, कई यहाँ पर सुखा दिए, अब यहाँ से लंका तो दूर है, लेकिन इतने सुंदर परिवेश था तभी आज से कई हजारों हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। इस कावेरी के दो शाखा है, इधर उत्तरी शाखा दक्षिणी शाखा, दोनों के बीच में एक आइलैंड है। उस जगह पे देख करके इस रमणीय स्थान को विभीषण को लगा मैं इतने देर से जा रहा हूँ, थोड़ा लैंडिंग करके स्नान टान कर लूँ, इतनी सुंदर नदी इतने सुंदर वन है वहाँ उतर करके स्नान संध्या कर लूँ, विग्रह के थोड़ा भी सेवा वगैरह कर लूँ, फिर चलेंगे यहाँ से। तो लैंडिंग किए वहाँ, लैंडिंग करके विग्रह को वहीं रखवा दिए, तो कावेरी से स्नान करके आए, हम पूजा अर्चा किए,
करके वो अपने कार्य समापन कर दोबारा यात्रा शुरू करना चाहे, विघुटर विग्रह नहीं चले। क्या विग्रह ने बोले कि देखो राक्षस राज, मुझे स्थान बड़े उचित लगता है, मुझे और यहाँ से मत लीजिए। नहीं मैं आपको लेकर आया ना, कोई बात नहीं, तो आपके कृपा मुझे चाहिए सिद्ध ना, मैं यहीं से कृपा करूंगा ना, आप जाइए मैं यहीं से कृपा करूंगा ना, मेरा सेवा तो जल्दी आप फुर्सत होगा तो आ जाना सेवा करने के लिए, वहीं से आ जाना मुझे सेवा करने के लिए, मैं यहीं से डायरेक्ट कृपा करूंगा। तो इसलिए आप भगवान को दर्शन किए, भगवान सोए तो ऐसे हैं, दक्षिण को नजर किए हैं, दृष्टि आप नजर किए दक्षिण दिशा को नजर किए हैं, क्योंकि दक्षिण में विभीषण का पटल है, सिलम समुद्र की ओर नजर किए हैं, वहीं से भगवान दक्षिण दिशा में नजर इसलिए कि यही सोकर के मंदिर के अंदर विभीषण को देख रहे हैं, उनके अंदर दृष्टि डाले, वहीं से मैं कृपा दृष्टि रख रहा हूँ आपके अंदर, विभीषण को मंदिर के अंदर से रह करके दक्षिण दिशा की दृष्टि करके उनको पोषण कर रहे हैं। और विभीषण हर 12 साल में एक बार आते हैं इन विग्रह की पूजा करने के लिए, उनका टाइम फिक्स है, आके पूजा करने जाएंगे। भगवान तो हमेशा नजर रखें, एक एक दृष्टि एक आंख दक्षिण दिशा पर बिल्कुल रखें, एक नजर रखें विभीषण। तो इस प्रकार विग्रह अपने इच्छा से ही रहे, गए नहीं तो विग्रह रह गए, विभीषण जी भी चले गए अपने भवन में, कभी आते हैं तो धीरे धीरे उनके भक्तगण, विभीषण ने कुछ किए होंगे व्यवस्था उनको पूजा वूजा का, लेकिन वो इस क्षेत्र के राजा नहीं थे, इस क्षेत्र में जो राजवंश आए बहुत परिवर्तन हुआ, यहाँ के राजाओं के बीच में दो भारी मत है, एक शैव मत एक विष्णु मत, शैवाइट्स है तो कट्टर शैवाइट्स होते हैं और वैष्णव होते तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। शैव भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जो साउथ इंडियन होंगे कट्टर जानते होंगे, आप कांची में जाएंगे यहाँ पार्वती जी का नाम है कामाखी, मदुरई में जाएंगे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर क्या है मीनाक्षी, तो यहाँ पूछते हैं कि विच ग्रुप की बात, मीनाक्षी ग्रुप या कामाखी ग्रुप, अनुमय देव ग्रुप है, दोनों जय माता दी वाले हैं लेकिन अनुमय भी देव है, कामाखी और मीनाक्षी दो आंख वाले दो देवी। तो इस प्रकार जो राजा जब सैवाइट्स आते हैं तो विष्णु मंदिर को बिल्कुल लेफ्ट आउट कर देते हैं, शिव पूजा के वृद्धि होता है, और वैष्णव राजा होते हैं तो शिव पूजा साइड करते हैं, यह भी कंपटीशन यहाँ था। तो इससे दोनों मंदिरों को, विष्णु मंदिर को शिव मंदिर को, दोनों को बहुत क्षति पहुंचा रहता था। तो हजारों साल बीत गया, कई हजार साल, लेकिन प्रसिद्ध था यह जगह वैष्णव के लिए, एक प्रसिद्ध स्थान श्रीरंग क्षेत्र रहा, क्योंकि सीधा ब्रह्मा जी से पूजित विग्रह, इतने प्रकट विग्रह वहाँ जो पूजा अर्चना पा रहे थे, तो जो भी विष्णु भक्त होते हैं यहाँ जरूर आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। तो विष्णु भक्त के लिए तो तीर्थ रहा, लेकिन उनका वैभव इतने वृद्धि नहीं हो पाए, राजवंश से जैसे जैसे आए ऐसे उत्थान और पतन दोनों होने लगा। एक समय था आज से लगभग 1800 साल पहले की बात है, रामानुजाचार्य तो लगभग 1200 साल पहले होंगे, उनसे और पहले एक अलवर, आप जानते हैं अलवर, जिसे हम लोग उत्तर भारत में गोस्वामी बोलते हैं, बड़े बड़े जो भगवत पुरुष हैं बचपन से नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, भगवत पार्षद होते हैं, उनका प्रचार करने के लिए आते हैं, उनका हम गोस्वामी कहते हैं। तो इस दक्षिण भारत में अलवर कहते हैं, पूरे दक्षिण भारत में 4 स्टेट है, कर्नाटक केरला तमिल और आंध्र, 4 स्टेट मिलाकर कुल मिलाकर 12 अलवर होते हैं, मतलब 12 है, उसमें से एक लेडी से 11 जेंट्स हैं। तो
एक अलवर, उनका नाम था तिरुमंगे अलवर, उन्होंने जो उनको पता अलवर सब भगवत पार्षद हैं, वो कहते हैं भगवान के सारंग धनुष के अवतार थे उन्होंने। भगवान के चार हाथ में चार आयुध धारण करते, जानते ना, ये दक्षिण भारत जो श्री संपदा है नारायण श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का उपासक है, नारायण चतुर्भुज है, चार हाथ में चार आयुध धारण करते हैं, जानते ना क्या क्या धारण करते हैं, शंख चक्र गदा खड़ग धारण करते ना, निकल भगवान की तलवार भगवान की धनुष धारण करता है। किसको नाम पता है भगवान के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य, चक्र के नाम शंकर, गदा कौमुदी की, उनके खड़ग तलवार दंतक, किसी को पता है नंदक, तो ये सब भगवान के आयुध हैं। भगवान के रथ के नाम, वाह उनकी गाड़ी जगन्नाथ जी सेम, ड्राइवर नंदी घोष बोलो ना, करेक्ट नंदी घोष। तो इस भगवान ने का जो धनुष था मैं भूल गया, धनुष का नाम क्या, सारंग बोल दिया इसलिए सारंग पाणी भगवान का नाम है, कृष्ण का एक नाम है क्या सारंग पाणी, भगवान राम का धनुष का नाम सारंग, ये तो बड़े प्रसिद्ध है यार, नहीं जानते भगवान विष्णु सारंग पाणी है, सारंग भगवान राम कोदंड, कोदंड नाम नहीं जानते क्या, सब उत्तर भारत वाले के नाम बदनाम कर रहे हैं, कोदंडधारी कोदंड धनुष उनका नाम का है। तो विष्णु है सारंग पाणी, तो सारंग धनुष के अवतार थे तिरुमंगे अलवर। तो जन्म से भक्त है, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने नहीं गए थे, और आई भी नहीं पढ़े थे, माँ बाप के साथ दो तीन साल के हुए, तीन साल से घर से निकल गए, बस घूमते रहे भगवान भजन करते रहे, स्वतः उनके मुख से कविता निकल रहा था पद्य स्वतः, वो तो पहले से पढ़े हुए, उनके द्वारा पढ़ना जरूरत नहीं था, संस्कृत के श्लोक काव्य कविता स्वयं अपने आप स्वतः स्मृति रचना करते थे वो, और घूमते थे भारतवर्ष भगवान विष्णु की गाथा गाते गाते घूमते थे भ्रमण करते, लेकिन इतने प्रतिभा था, इतने नम्र थे, इतने स्वभाव उनका मीठा था, इतने सुंदर स्वभाव था, तो उनको देख करके अच्छे अच्छे भक्त उनके प्रति आकर्षित हो जाते, जैसे जानते ना कोई पके हुए फल हो, पेड़ में पका हुआ जो फल, उसका क्या विशेषण होता है, विशेषता क्या होता है, जैसे आम लोग जो पेड़ में पका हुआ बिल्कुल, क्या विशेषता होगा उसका, ठीक है, और सब में तत्व का चौंक तो नहीं होता, देखने में पीला होता है, एक रंग है, जितने भी फल पक जाता है तो पीला होता है, और क्या खाने में मीठा होता है, कच्चा फल तो खट्टा होगा, जो पके हुए फल उनका स्वभाव मीठा है, लेकिन वर्ण है पीला, स्वाद है मीठा और नर्म, करेक्ट नर्म होगा और रसाल होगा, रसयुक्त होगा, कच्चा होगा रस नहीं निकलेगा, चटनी बनाना लेकिन वे तो रस निकलेगा, तो ये गुण भी जो मैच्योर्ड भी बड़ी होते हैं उनका भी होता है,
जैसे नरम होता है वो नम्र हो जाता है, भक्त के अंदर नम्रता आ जाता है, वो जैसे पके जाते हैं बिल्कुल पक जाते हैं और उनके अंदर रस निकलता है, उनके अंदर मिठापन, उनके अंदर मिठापन भी होता है, नासा घर से मीठा मीठा होता है। तो इस प्रकार पके हुए फल के समान वो जहाँ जहाँ विचरण करते हैं उनको लोग ऐसे ही उनको आकर्षित होते हैं। तो उनके प्रतिभा को देख करके इन भक्त प्रवर तिरुमंगे के प्रति चार पारदर्शी जीवक उनके प्रति आकर्षित हुए। पारदर्शी मतलब वो सिद्ध थे, चार सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष जैसे आज आपकल आजकल आपने कोई पीएचडी कर लिया, कुछ कोई पढ़ लिया, कोई हमने कुछ सर्टिफिकेट अचीव किया, तो इसी प्रकार से तभी जमाने में लोग कुछ कुछ साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, कुछ समय लगा लेते थे उसमें, 10-15 साल 20 साल लगा करके भजन जब तब साधन के सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। तो चार सिद्ध पुरुष थे, उनका भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धि था। एक पुरुष उनको मिला, पूरे भारत में कहीं कहीं घूम रहे थे मिले, ये व्यक्ति का जो अचीवमेंट था क्या था, किसी के साथ बात करेंगे, बात करके कोई उनको जीत नहीं सकता, बात करके उनको वहीं खड़ा कर देंगे, बात से कोई उनसे हट करके जा नहीं सकते, तर्क सिद्ध होते हैं, तर्क करेगा आप हट ही नहीं सकते, बांध देंगे आप बातों बातों मुग्ध कर देंगे, बांध देंगे वहीं रहेगा, हिल नहीं सकते, तर्क सिद्ध महात्मा थे। तो उनके साथ हो गए, बोले हम सिद्ध जो आप जैसे पुरुष उनके सेवक बन करके उनके साथ चले। और एक सिद्ध पुरुष मिले जो उनके सिद्धि था कि अगर किसी व्यक्ति की किसी प्राणी के साथ जाएंगे उनका छाया पड़ा होगा, जैसे धूप में खड़े छाया पड़ेगा ना, छाया के ऊपर अपने पैर रख देंगे आप मूव नहीं कर सकते, बन गए। किसी के छाया के ऊपर टच करके उसको ही अचल कर देंगे, केवल छाया स्पर्श करके अचल कर देंगे उसको, किसी प्राणी, ये सिद्धि उनके पास था। तीसरी और एक पुरुष उनको मिले सेवक के रूप में, जिनका ये सिद्धि था कि बिना चाबी में कैसे भी बड़ा हाई क्वालिटी के ताला क्यों ना हो, थूक मार के खोल देंगे, चाबी खोल देंगे थूक मार के, बिना टच के खोल देंगे चाबी, लाने को जरूरत कितने गोदरेज जामिंग में आयरन चेस्ट क्यों ना हो। और चौथा उनको शिष्य के रूप में प्राप्त हुए थे एक ऐसे महापुरुष जो उन्हें साधना के बल से पानी के ऊपर स्थलभाग की तरह चल के चले जाएंगे, अब पैर में पानी नहीं छूएगा, कैसे भी पानी हो ऐसे ही दौड़ के चले जाएंगे, चलकर चले जाएंगे, पानी टच नहीं करेंगे। ऐसे चार सिद्ध महापुरुष उनके सेवक बनकर उन्हीं के साथ चलने लगे, घर द्वार छोड़कर, बोले प्रभु आपके सेवा के सूचक अमर भाग्य है, उनके साथ चल पड़े। तो उन पांचों चलते रहते थे, चार उनके सेवक मिल गए उनके फिरते, तो आ करके इस क्षेत्र में पहुंचे जहां कावेरी दो प्रभाव होकर के उत्तर दक्षिण दिशा में एक द्वीप बना चुका है। और तुम्हें बोला कि वो तो कई युग से भगवान रंगनाथ यहाँ विराजमान थे ही, कितने बार लोग आते मंदिर बनाते कोई तोड़ते तो भगवान तो अचल विक्रम थे, कोई टूटा फूटा पुराना मंदिर था, कोई वैष्णव संत आते थे दर्शन करते थे, क्योंकि आसपास में कुछ था नहीं, बिल्कुल निर्जन प्रदेश था, कोई दूर से पारी होकर के कावेरी नाव में आता था कोई पुजारी, और शेर सियार भेड़ उनके भय से शाम होने से पहले थोड़ा पानी फूल फेंक फेंक कर चला जाता था, कोई राजा ने पैसा बांध के रखा होगा जैसे आजकल सरकारी तरफ से करते ना, एंडामेंट कमीशन करता है ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विस से ऐसे करके कोई करके चले जाता था। लेकिन इस क्षेत्र का इस रूप माधुर्य को देख करके भक्त श्रेष्ठ तिरुमंगे यहाँ आने लगे, उनको पता था कि एक महादिव्य देश है ये, तो वहाँ आकर के पहुंच करके भगवान रंगनाथ को देख करके बड़े सुंदर गान किए उनके बारे में, उनके महिमा गान किए। लेकिन भगवान के सायं के समय इसी दशा देख कर कोई नहीं, ना एक फूल की माला है, ना ऊपर में कोई छतरी है, सियार आकर घूम कर ये करके जाता है, कोई उनके सेवा का परिपाटी कुछ सेवा व्यवस्था नहीं। उनको देख करके बोले ये जगतपति हैं, ब्रह्मा जी के पिताजी हैं,
लेकिन उनकी ये दशा, हम लोग सब उनकी कृपा से जी रहे हैं, लेकिन उनकी ये दशा है, इन दुख दशा में हमारे स्वामी यहाँ रहेंगे, तो उनको बड़ा दर्द लगने लगा। तो इस प्रकार के भगवान के दयनीय और सेवाविहीन स्थिति को देख करके भक्त त्रिभंगे के अंदर जैसे चुभने लगा, ना मैं क्या भक्त हूँ जब मेरे स्वामी को सेवा नहीं कर सका, इतने घूमता रहता हूँ लेकिन वो इतने दुख में पड़े रहे, उन्हीं को भजन में करूँ और उनको कुछ खाने पीने से व्यवस्था ना करूँ। तो मन में इस प्रकार विचार आया तो अपने शिष्य मंडली के साथ विचार करने लगे, बोले देखो पुत्रो, ये हमारे प्रभु हैं, इस दयनीय दशा में हैं, क्या हम लोग उनके सेवक होने के नाते कोई कर्तव्य नहीं उनके प्रति? बोले स्वामी आप जो आदेश करें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए कुछ मंदिर के निर्माण किया जाए, उनके सेवा पूजा की व्यवस्था किया जाए, हम उनके सेवक की सेवा करेंगे। हाँ हाँ, तो इस शुभ विचार मन में आया तो स्वयं त्रिभंगे उनको चारों शिष्य दूसरे दिन स्नान दान करके ठाकुर जी से सेवा पूजा जो भी समर्थ करके निकल पड़े। नदी पार करके जो सब धनी धनी व्यक्ति थे, राज पुरुष थे, तभी जमाने में तो राजा राज था, जा जा करके उनको मंदिर निर्माण के लिए अच्छे समझा बुझा करके धन भिक्षा करने लगे। कई महीनों तक घूम घूम करके दूर दूरांत तक धन इकट्ठा करने लगे, कोई उनको पास में भटक नहीं, क्योंकि तो भिखारी घूमते थे, तो क्या करेगा मंदिर में हमें खा लेगा, लोगों का आप लोग कलेक्शन में जाते हैं उनको पता है, इसके वाले तो बहुत चला के किसी प्रकार से निकाल लेते हैं, लेकिन जो उनका जो बेचारे संत प्रकृति के होते हैं कुछ है नहीं, तब जो उनको फोल्डर नहीं होता था होना माल मसला दिखाने के लिए समझाने, कुछ नहीं था फर्म धर्म कुछ नहीं, कार्ड फाड़ का व्यवस्था भी नहीं था, सुने तो वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, भगवान के बारे में कोई विश्वास कौन करेगा, कोई नहीं देता था। महीना तक भटकते भटकते दुखी हो करके और असफल हो करके बड़े दुखी हो गए, इस प्रकार की असफलता उनको इसे दुखी करने लगा। भक्त त्रिभंगे का जो अति स्वभावशील नम्र हृदय, अति पानी के जैसा पिघला हुआ नरम हृदय, जैसे पानी भी कड़क ठंडी पड़े तो बर्फ हो जाए, है ना नहीं? और कोई तरल वस्तु भी अगर खूब ताप दो वो भी गाढ़ा हो जाए, तो इसी प्रकार उनके नरम हृदय कठोर हो गया इस प्रकार के दुख के कारण, और निष्ठुर होकर के बोले आप देख लिए ना धनिक लोगों के क्या हालत है, वो तो कुछ करने वाला है नहीं, हम उनके तलवा कब तक चाटते रहेंगे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है, इतने दिन बीत गया, तो हम उनकी सेवा करेंगे ना स्वामी की सेवा करेंगे। बोले स्वामी आप जो बताएंगे हम आपके साथ हैं, ना मुझे तो लगता है उनसे धन छीन करके बनाना चाहिए। तो ये बात सुनकर के उनके शिष्यगण बोले स्वामी आप आदेश दीजिए, हमारे पास से सिद्धि काहे के है, कुछ काम में आवे। बोले क्या आप बोलिए, बड़े बड़े राजा में एक पैर में उनका छाई को पकड़ लूंगा वो वहीं खड़ा रहेगा, आप जाकर सब रुक के लो, हिल नहीं सकता, जो रुक कर ले लो कुछ नहीं करेगा, वहीं खड़ा रहेगा जब तक मैं खड़ा रहूंगा, तो छाई पकड़ कर मैं तो बातों बातों में ही खड़ा कर दूंगा, लेकर जाओ छाई तो केवल दिन में आ सकता है, घर से बाहर आएगा तो छाई आगे, मैं तो कहीं पकड़ बातें करूंगा उसको, बेडरूम में बात करूंगा वहीं रहेगा, तुम सब रुक कर ले मिल नहीं सकता। दूसरा वाला आ रहे तुम जाएगा, लेकिन उनका सब बड़े बड़े ताला लगा करके लग रखे हैं, संपत्ति कैसे खुलेगा, मुझे साथ में लेना पड़ेगा ना, कितने बड़े बड़े ताला के नफून के मारे सारे ताला उड़ा देगा, कोई चाबी जरूरत नहीं। बोला लेकिन आजकल बड़े बड़े राजा सब चारों तरफ नदी गढ़ खाई बनाकर पानी कर रखे, मुझे ले चलो साथ में, पानी के ऊपर ऐसे हाई रोड के तरह उड़ के चलो। तो इसे चार सिद्ध पुरुषों का सहायता लेकर के भक्त सम्राट त्रिभंगे ने अपने चोर्य वृत्ति
बड़े बड़े धनियों के घर से हरे कृष्णा धन लुंठन करने के लिए योजना बनाए, योजना बना करके और शुरू किए। और वास्तव सिद्ध सिद्धि पुरुष था ही, कहीं से भी जाएंगे एक बात करने लग जाएगा, एक किसी का छाया पकड़ लेगा, एक जाकर सारी चाबी खुलवा देगा और एक तो सारी कोई बोट फोट का जरूरत नहीं, उठा करके पानी के ऊपर चल के आ जाए, कोई विश्वास कौन करेगा? चाबी नहीं, किसी से खुल गया पानी के ऊपर कैसे चला गया, और वो बैठे थे किसी को पकड़ा नहीं, कैसे हट रहे आने के लिए देखते सिद्धि था सब प्रकाश, देखते देखते माल उठाकर सब ले आते थे। और उनके इस प्रकार के अच्छे तरीका के चोरी को देख करके जो बाकी सब चोर थे आसपास के बोले गए, हम लोग सब जूनियर हो गए तो हमसे सीनियर नहीं थे। हाँ कहे के चोरी, बोले अगर चोरी चोर जो वृद्धि सीखना है तो उनके पास है। सब आकर उनके साथ चयन किए, चयन किए, बोलते हैं कि एक दो साल के अंदर वो दस्यु सरदार हो गए, उनके अंडर 1000 डाकैट्स रहने लगे, 1000 डाकू, एक से एक्सपर्टिस सीनियर मोस्ट डाकू उनके साथ। बोले बोले ये तो हमारा मास्टर है सचमुच, क्योंकि उदार सिद्ध थे, इतने बड़े भक्त थे, इतने उनका स्वभाव ऐसा था, तो कोई भी डाकू भी आकर तो उनके संग करके बोलता था हाँ एकदम आप अच्छा हमारा चोर सरदार लेकिन है तो अच्छा, तो उनको साथ रहते थे तो देखते इतने डाकू आकर के दूर दूरांत से मिले, 1000 उनके ज्ञान हो गए और उनके ज्ञान लीडर बने। और ऐसे कहा जाता है कि उनके समय में वो एक छत्र सम्राट बन गए बिना राज्य, क्योंकि जितने बड़े बड़े राजा थे उनका नाम सुनते डरते थे, कांप जाते थे। बोले क्यों? बोले तो एक उनका कोई सुपुत्र है नहीं, उनके इतने बड़े ज्ञान है और सारे पब्लिक उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरे पब्लिक उनको चाहते हैं कि हाँ महापुरुष हैं, सपोर्ट करते हैं। और अगर हम कुछ बोले पता नहीं कब दिन में रात में कभी आकर डाका डाले सर रुक के ले जाए। सब डरते थे उनको, तो उन्होंने ऐसे लूट पाट करके धन इकट्ठा करके लाते थे, ला करके एक जगह में धन इकट्ठा करते थे। दो साल इतने धन इकट्ठा हो गया तो उन्होंने श्री गंगा जी के लिए मंदिर निर्माण की योजना बनाए और नक्शा बना करके स्वयं अपने हिसाब से उन्होंने गर्भगृह का निर्माण किए। देश विदेश से कुशल कारीगर बुलाए, दूर दूर से बड़े बड़े पोत पर पत्थर मंगा करके मंदिर का निर्माण शुरू किए, नींव धरे और गर्भगृह निर्माण 2 साल लगा। बोलते 1000 कारीगर 2 साल तक काम किए, गर्भगृह निर्माण हुआ। प्रथम बाउंड्री वॉल में गर्भगृह के अंदर कंप्लीट करके विमान सहित भगवान को स्थापना किए। इसके बाद 4 साल लगा और डबल कारीगर लगाए, पहला प्राचीर के लिए निर्माण हुआ, उसके बाद दूसरा प्राचीर के लिए और 2 साल 6 साल लगा और कारीगर बढ़ाए डबल, फिर चौथा बाउंड्री वॉल के लिए और कारीगर बढ़ाए, 8000 कारीगर लगाए और टाइम और बढ़ाए तभी लगा। ऐसे ऐसे करके जो 7th गेट है, जो आप सबसे बड़ा गोपुरम सप्त प्राचीर के अंदर रहते हैं, ये जो सिख जो सबसे बाहर वाला गेट है उसका जो बड़ा गोपुरम को पूरा करने के लिए बोलते हैं 1,00,000 लगभग कारीगर लगे थे बाउंड्री वॉल साइड गोपुरम दो साइड में, जिनमें 18 साल लगा पूरा होने में, 18 ईयर्स। तो टोटल गर्भगृह से लेकर के सप्त प्राचीर गोपुरम निर्माण करते करते पूरा मंदिर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 60 ईयर्स लगा, कितने 60 साल। 20 साल से प्रोजेक्ट शुरू किए थे जब मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किए थे, जो कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट उनको 80 साल उम्र हो चुका, बाकी चोर तो कोई 90 साल तक हो गए थे, बूढ़े हुए थे लेकिन घर नहीं जा रहे थे, रात दिन काम में लगे थे, क्योंकि तिरुमंगे में उनके साथ जाते थे चोरी करने के लिए, बाकी चोर आते थे खा पी कर सो जाते थे, वो सोते नहीं थे, वो जाते थे मंदिर कार्य निरीक्षण करने के लिए, कार्य निरीक्षण करते थे, देखते थे, फिर उनको पेमेंट करते थे सब कारीगरों को, फिर शाम के समय में स्वयं जाते थे
भिक्षा करने के लिए। भिक्षा कहते जो भिक्षा लब्ध अन्न मिलता था थोड़ी समय एक दो घंटा में, उसी को लाकर स्वयं बना करके भगवान को नैवेद्य करके उसी को पालते थे। चोरी करके जो संपत्ति लाते उसमें एक नया पैसा अपने लिए नहीं लगाते ना, बोलते ये मैं केवल रंगनाथ के लिए लाता हूँ, उनके सेवा के लिए, मैं उसके हकदार नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, भिक्षा मांगकर खाऊंगा। 60 साल तक उनका नियम था, एक भी नया पैसा अपने लिए उन्होंने उपयोग नहीं किया, दूसरे को तो दिए नहीं, बोलते थे दूंगा एक साथ दूंगा सुरक्षा। दूसरे चोरों को एक कंडीशन था, जब तक हम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा सब तो अपना अपना हिस्सा बांट दूंगा, और कोई हिस्सा नहीं रहता था, सारे तो पेमेंट करते थे, एक से एक दूर दूर से कारीगर बना करके जितने पैसा लेता दे करके कंस्ट्रक्शन चलता था। 60 साल तक कंस्ट्रक्शन था, 60 साल तक प्रतिदिन एक टाइम शाम को भिक्षा करके जो भी मिलता था चावल उसको उगा कर सब्जी मिला तो एक साथ मिला खिचड़ी करे, नहीं तो केवल चावल खा लेते थे भगवान के नाम पर। 60 साल ऐसे जीते थे, और लेकिन कोटिपति थे, बड़े बड़े राजा महाराजा डर कांपते थे उनका नाम सुन करके, कांप उठते थे। और ऐसे वर्णन आता है उनके जमाने में कोई जहां जाते थे कोई गरीब ही नहीं रहता था, कोई गरीब लोग होता था कोई तुरंत उनको मदद करते थे, ठीक चलो किसी को चोर को बोलते थे उनको ला कर करा दो काम, उनका काम होता था। किसी की शादी होना है उनका नाम सुनते राजी हो जाते थे, हाँ शादी कर लूंगा, तो ज्यादा नहीं बोलना पड़ता हमार मुद्दे वो सब खत्म कर देगा, कोई भी राजी होता था उनके बात सुनते। तो इसलिए पूरे गांव वाले पब्लिक तो उनके प्रति बहुत आस्थावान थे, उनको पूज्य भाव रखते थे, लेकिन बड़े बड़े धनी को राजपति लोग वो डरते थे उनको। जब मंदिर निर्माण होने लगा तो राजा लोग ने देखे कि तो अच्छा काम कर रहे प्रसिद्ध हो गए तो उनको धन देने लगे, इसी बोले नहीं देंगे तो इसी लूट लेगा, बच्चों देते रहो। तो इसलिए धन की कमी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक भी नया पैसा अपने लिए उपयोग न करके वो भिक्षा प्रतीक से अपना जीते थे और मंदिर निर्माण चलने लगा। जब पूरा 60 साल के बाद में मंदिर निर्मित हो गया, बड़े भव्य रूप से उनके प्रतिष्ठा उत्सव किए, लाखों करोड़ों लोग भाग लिए थे, बड़े बड़े राजन मंडली मंदिर के प्रतिष्ठा उत्सव जो हुआ था इस मंदिर का। ये घटना आज से 1800 साल पहले का घटना है, बोलते हैं 7वीं शताब्दी, तभी 7वीं शताब्दी में आता है। तो बना करके जब कंप्लीट हो गया तब बोले अभी चोरी करने को जरूरत नहीं, तब चोर लोग बोले सरदार तो हमारा हिस्सा दे दो हम बूढ़े हो गए घर जाएं। एक सद्दाम भी उनके पास नहीं था, सारे पैसा खर्च हो गए, जितना लगा सो लगा दी इसके लिए किस लगा, उनके जो चार शिष्य थे वही भिखारी थे, करोड़ों का माल आया, करोड़ों का माल भगवान की सेवा में चला गया, उनके पास कुछ नहीं, जिसे पहले थे इसे पहले। लेकिन 1010 जन्म के थे उनसे, वो तो अपना आशा था कुछ घर के लिए लेकर जाए, वो आके मांगने लगे, जब कोई से पता चल गया अरे तो भीख मांग करता है उनके पास है कुछ नहीं, वो तो इतने क्रोधित हो उठे, उनको मारने के लिए ज्ञान करके आए, पूरे हाला गुल्ला होने लगा, बोले मार देंगे बुढ़ा को, हमको धोखा दिया, ऐसे किया हो क्या, गाली गुलज करके, अब क्या करें, वृद्ध हो चुके थे, 80 साल से ऊपर हो चुके थे, उनके शिष्य भी बड़े बड़े हो चुके, आगे बोलते हैं गुरु जी क्या करें, इतने बड़े डाकू लोग सब मारने के लिए तैयार, हम मार देंगे जीवते बाहर मत जाइए, बड़े झगड़ा हो वाला हमारे ना क्या करें। तो बैठ के सोचने लगे क्या किया जाए उनके लिए, हम बस कुछ रही नहीं, सारे जो खर्च लाए थे तो सब तो दे दिए ना, आप उनको प्रतिश्रुति दिए थे ना, आप ये चोरी भी नहीं कर सकता, वृद्ध हो गया और करना भी नहीं चाहिए, मैं चोरी करना मेरा कार्य थोड़ी था, चोरी करता था ठाकुर जी के लिए मंदिर निर्माण हो गया, अब मैं सब नहीं करना, ये असत कर्म नहीं करना, आप तो केवल भगवान की सेवा करना, ना उनको पेमेंट कैसे दिया जाए। तो एक रात एक दिन कबाड़ बंद करके बैठ के विचार किए, विचार करने के दूसरे दिन बुलाए एक शिष्य को, बुला करके बोलो जाकर घोषणा करो कि मैं उनके लिए अपने हिसाब से सारे धन रत्न एक जगह में रखा हूं, मैं आपको हिसाब देता हूं, आप उनको ले जाओ सब खुलकर बंटवारा कर लो। वो जाकर के अनाउंस कर दिया, सारे खुश हो, अरे आप हमारा सरदार यहाँ नहीं रखा है, नदी के पट्ठा में कहीं बीच में गाड़ कर रखा है करोड़ों की संपत्ति, आप सब बांट देगा, आज करने अनाउंस किया, स्वयं जाएंगे अपना अपना हिसाब जितना अच्छा सब बांट कर देंगे, खुश हो गए। अब बड़ा फीस्ट भंडारा हुआ, खा पी के तैयार हुए, शाम के समय सावन के महीना था, शाम के समय में
बहुत बड़ा पोत मंगाया, पोत समझते ना, नाव जिसमें दो चार पांच ट्रक पारी होता है, ट्रक लोड लोडे ट्रक, वो उसी में से पत्थर लेकर आते थे। पत्थर लाने के लिए वही पोत यूज किया जाता था रंगनाथ मंदिर निर्माण के लिए, वही पोत एक मंगाया, वो पोत में 1080 को लोड करवाए। बड़े खुशी से खा पी कर नाच गान करते हुए, सावन का महीना था, संध्या के समय कावरी अपने छाती के फुलाते हुए एक क्रोश से भी ज्यादा चौड़ा में बिल्कुल पानी भरा हुआ द्रुत गति से आवाज करते करते बह रहा था कावरी का धारा, बहुत तेज गति से बहता, भयंकर रूप था कावरी का, बारिश का समय था। तो तिरुमंगे खड़े थे उनके साथ में और तीन शिष्य उनके पास खड़े थे, जो शिष्य जो पानी के ऊपर चलने में सिद्धि था उन्हीं को भेज दी, बोले जाओ उनको बंटवारा करके आओ, और स्वयं टाटा बोले जाओ मित्रों आप अपना जितने जथे अच्छा धन आप लेकर जाओ, सबका हिसाब उसमें लिखा में तरीके दे दिया, सब लेकर जाओ। और सब खुश होकर पोत में बैठ गए, कोई नहीं बचे। शाम के समय विदा हो गया, पोत चलने लगा धीरे धीरे कावेरी नदी का इस मध्य भाग में पहुंचा। शाम हो गया, सूर्य अस्त हो गए और दिखाई नहीं पड़ा, दूर से पोत दिखाई नहीं पड़ रहा था कहाँ चला गया। और कावेरी का स्रोत उस सावन के महीने में बड़े प्रबल वेग में था, कई जगह में क्या बोलते आवर्त चक्रवात पड़ता था, भ्रमर पड़ता था, बड़े भयानक रूप था कावेरी का उस समय में। लेकिन एक बड़ा बोध भी था, लेकिन क्या पता बोध से विशेष होता, दो चार होल नीचे से करके रखा गया बोध चलने से पहले, जैसे जैसे बोध गया होश पाइप की तरफ पानी उसके अंदर से घुसता, जैसे जाकर के मध्यम भाग में नदी को पहुंचता एक सहस्र लोगों का आर्त चित्कार के ध्वनि मात्र सुनाई पड़ा, मरने से पहले चिल्लाने से ऐसे चित्कार सुनाई पड़ा, बस 5 मिनट में समाप्त, सब कुछ जल समाधि हो गया, कोई एक ना बचे। और रात को 8:30 बजे लगभग अंधकार में एक आदमी कावेरी नदी का बीच में चलते चलते आया, आकर तिरुमंगे का चरण में प्रणाम किया, स्वामी आपके कार्य पूरा, कोई नहीं बचे, सब समाधिस्त हो गए। तो तिरुमंगे ने उनको उठाया, उठाकर मेरे पुत्र स्वामी रंगनाथ ने अपने पुत्रों को अपने घर बुला लिया, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहे कि जितने डाकू थे सबको रंगनाथ ने वैकुंठ ले सीधा, वो समझ नहीं पड़ रही क्या, सबको मर्डर कर दिया। बोले अगर मैं उनको धन देकर घर भेजता तो उनके इतने दिन का एक्सपीरियंस छूटते, फिर चोरी करते जा रहे और पाप करते और चुर्जवृत्ति करते और क्या क्या करते, ये क्या अच्छा नहीं हुआ, चोरी करते करते अंत में सीधा सीधा वैकुंठ गए, ये था शक्ति उनका, उनको मर्डर नहीं करवा दिए, एक साथ में होलसेल वैकुंठ को भेज दिए, होलसेल कोई चेकिंग नहीं कुछ नहीं, ये शक्ति था उनके पास। बोले रघुनाथ लेकर मैं रिकमेंड किया सबको, लेकर कहा यहां रहकर क्या करते, सबको ट्रांसपोर्ट करते सीधा वैकुंठ, और तो कोई बचा ही नहीं। तो इसीलिए इतनी बड़े नरहत्या हो गया, ये तमिल भाषा में नरसंहार का नाम है कोलिडम, तो इसलिए एक नदी का धारा का नाम कोलिडम है, ये जो धारा बहता कावेरी धारा, जिस धारा पर उनका वध हुआ था हजारों एक साथ थोक में। तो इस प्रकार तिरुमंगे अलवर आकर के रंगनाथ जी की सेवा करके बाकी 3-4 शिष्यों के साथ वही उनके शरीर रखे, आज भी उनके विग्रह है मंदिर के अंदर, सेवा पूजा हो रहा है। तो इस प्रकार से मंदिर निर्माण हुआ था लगभग 1800-2000 साल पहले, ये जो आप देख रहे हैं सब तो प्राचीन विशिष्ट मंदिर है। उसके बाद में कई राजा वहाँ हैं, कई बार रिनोवेशन हुआ है, रिनोवेट किए हैं, लेकिन मूलतः निर्माण उन्होंने किए थे। एक बार श्री रंग जी के सेवा के बारे में एक कथा सुनाई पड़ता है। एक और अलवार थे, 53 अलवार उसको कहते हैं, उन्होंने भगवान की उपवित के
अवतार थे, वो भी भगवान के भजन में मस्त थे। बालकपन से घर से निकल करके बिना बजाते बजाते घूमते थे। तो रंगनाथ के इतने बड़े भव्य मंदिर, कावेरी का तट उनको आकर्षण किया। तो अलवर ने चंडाल वंश थे, पेरी अलवर बोलते हैं, तो चंडाल वंश थे। तो चंडाल वंश तो यहाँ जातिवाद बड़े कट्टर था, कोई घुसने नहीं देंगे कुछ। वो बेचारे कुछ भी क्या करके खाते थे, एक बिना जंत्र था उनके, तुम्बा तुम्बा बोलते ना, लाओ लाओ लौकी के गोद में से बना करके ऐसे बजा करके और गाना गाते थे, घूमते थे, घूमते फिरते। एक दिन आ करके कावेरी नदी के किनारे मंदिर को देखे, इतने विशाल गोपुरम, इधर से कावेरी नदी इधर गोपुरम, इधर देखे कोई घर बाड़िया नहीं था, बिल्कुल निशून जगह था। पुजारी लोग बाहर से कावेरी पारी करके आते थे, सेवा करके चले जाते, यहाँ कोई नहीं रहता। ये पूरा द्वीप रंग खतर, आजकल तो सिटी बन गया। तो वहां से देखे, देख कर कितने प्रश्नचित हो गए, वो नदी के किनारे खड़े होकर के भगवान की महिमा गान किए, गीत गाने लगे। गीत गा गा के इतने प्रसन्न उन्मत्त चित्त हो गए, गाते ही रहे वे खड़े होकर के। रात हो गया तो कावेरी नदी में ठंडी ठंडी हवा चलता था, तभी तक इतने पॉल्यूशन नहीं था कि मच्छर आए, तो मच्छर जाने जरूरत। तो वहीं पर लेट गए, लेट नाइट हो गए, तो सो गए, गाते 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 सो गए वहीं पे नदी के किनारे, बस हो गए। तूट था घाट पर, वहीं सो गए। तो तभी श्री रंगनाथ जी के जो पुजारी हैं, उनका जो हृदय पुजारी थे, उनका नाम था लोक सारंग मुनि, तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त से पहले कावेरी में स्नान करते थे और रंगनाथ जी के स्नान के लिए रत्न खंड लेकर जाते थे, चांदी के बहुत बड़ा घड़ा लेकर जाके कावेरी जल से स्नान करने के लेकर आते थे। वही जल से रंगनाथ जी के स्नान स्नान किया जाता था, वहाँ स्नान होता था, मुख्य पुजारी करते थे, उसके बाद दूसरे पुजारी आते थे सेवा के लिए। तो उन्होंने गए, जाकर जाते समय तो अंधार था, देखे नहीं थे, चले गए थे, क्यों सोए था उन नजर नहीं पड़ा था। जाकर स्नान टान करके पवित्र होकर के जल तर्पण करके चांदी के मटका में घड़ा में पानी भर करके रख करके जब आ रहे थे, तो थोड़ा बच्चा वक्त दिखाई पड़ा था, अभी उषा काल हो चुका था, सूर्योदय नहीं हुए थे, उषा समय हुआ था। तो देखे कि रास्ता पर सोया हुआ है चंडा, समझ गए बोले चंडा तो है, ये रास्ता में सोया हुआ, टच करूंगा मैं मारा हो जाऊंगा भाई, फिर नहाना पड़ेगा, पानी बेकार हो जाएगा। तो चिल्लाया, ए उठ उठ कहीं के, लेकिन वो तो लेट नाइट तक नाचते कूदते गाते गाते सो गया, थका है उसको सुना नहीं, उठा नहीं, छुप करके पैर से पत्थर उठाकर फेंके, एक तो पत्थर इधर लगा पता नहीं, एक पत्थर सर के मारे सर में लगा पत्थर, थोड़ा सा घाव हो गया। वो चोट खा करके उठे, उठ करके देखे कि सामने श्री रंगनाथ भगवान के मुख्य पुजारी स्नान करके जल पात्र लेकर खड़े। वो देख करके सबका गए, डर गए, डर करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए पीछे पीछे भागे, बोले मूर्ख हूँ क्षमा कर दो मुझे, मुझे पता नहीं, सो गया था, स्थान में देख नहीं पाया, रात था, ऐसे करके तो भागे। ये गाली देते देते हुए बोले अरे नालायक, कहीं तो देखता नहीं, आकर जहाँ तहाँ सो जाते, घाट पीछे जाता है, देखते नहीं आए रंगनाथ के, वो बोला क्षमा करे ठाकुर जी के सेवक, मुझे पता नहीं था, उसको वो उनको गाली देते रहिए, उनको प्रशंसा करे, ये उनको गाली दे, इस प्रकार करते करते चले गए। आ करके समय होता था कि जल्दी मुख्य दरवाजा खोल करके रंगनाथ महास्नान के लिए जाएंगे। आजकल मंदिर के अंदर जो देखते हैं इतने सारे बैरिकेड, कुछ नहीं था, कोई भीड़ नहीं, सीधा तो, लेकिन मंदिर का दरवाजा चाबी खोल कर खोलते खुलता है, चाबी खोल दिया लेकिन दरवाजा ना खोले, हाँ खोले, धक्का मार करके लगा के अंदर से बंद है, अंदर से कुंडी लगा के खोल नहीं देता, अरे बाहर से तो ताला हमारे पास था, मैं खोल दिया, तो खुल नहीं रहा, तो अंदर से बंद है, मतलब अंदर में कोई है, लेकिन अंदर में कौन गया, रात में तो मैं बंद करके बाहर से ताला लगा रहा, अंदर का तो कोई गया नहीं, अंदर से बंद कैसे हुआ, क्या और किसी ने जो असिस्टेंट हेड पुजारी वो अंदर गए, तो उनको बचा भी कहां सा है, को डुप्लीकेट चाबी करके वो चला गया, कैसे पहले तो बुलाए उनको,
तो वो आया आप करके, वो देखे तो बाहर है, बोले मैं सोचा आप अंदर ना है, आपका सेवा मैं किसे अंदर जाऊँ, चाबी तो आपके पास है ना, बंद किसे अंदर से हो रियली। वो आकर देखने लगा, धक्का मारा, अंदर से बंद है। तो धीरे धीरे कोई सोचना कौन कैसे हुआ करके पूरे जितने पुजारी थे, 26 वंश के पुजारी हैं, 24 पुजारी सब इकट्ठा हो गए, कोई एक भी अंदर नहीं गया प्रमाणित हो, सारे एक के बाद दूसरे आकर पहुंचे और सारे चिंतित भयभीत त्रस्त है, कैसे हुआ, क्या करेंगे, स्नान के समय बीत रहा है, अंदर से बंद कैसे हुआ, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, हाउ इट हैपेंस। हम सब इधर ही हैं, सारे सेवक इतने लेट होगा, अंदर से बंद कैसे हुआ, अंदर गया कैसे, इतने विशाल दरवाजा है, इतने बड़े ताला है, अंदर कौन है। तो अंततः जो इतने समय हो गया, सूर्य उदय हो चुका है समय, तो अंततः सारे पुजारी मिलकर बोले, उनके हेड पुजारी थे लोग साथ होने, बोले हो ना हो भगवान स्वयं क्या बंद कर दिया अंदर से दरवाजा, भगवान वंदना स्वयं आकर दरवाजा बंद कर देंगे। बोले हो सकता, बाकी तो केवल यही एक आशा लगता है, सारे गंगा जी ने स्वयं बंद किए। तो लोग सारंग मुनि ने अपने जल पात्र रख करके रोपड़ा हाथ जोड़कर चिल्लाकर बोला, हे प्रभु, हे स्वामी, अगर कोई सेवा मेरे त्रुटि है, अगर कोई मेरे से भूल हो गया तो बताओ तो सही, मैं त्रुटि मार्जना करूं, आपके सेवा से वंचित मत करो, ऐसे सेवा से वंचित हो जाओ कहकर रोने लगा, रोकर चित्कार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक मेघ गंभीर शब्द सुनाई पड़ा, शब्द गूंजते गूंजते शब्द सुनाई पड़ा, हे मुनि, मैं तुझे अंदर आने नहीं दूंगा। चारों देखे कहां से शब्द आ रहा है, बोलते मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से रंगनाथ बोल रहा हूं, आ ना, मैं अंदर से बोल रहा हूं, मैं कवाड़ बंद किया अंदर से, मैंने दरवाजा बंद करा, क्यों ना, तू मुझे मार रहा है इसलिए मुझे अंदर नहीं आना, तू मुझे मारता है, प्रभु मैं आपको मारता मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवा के लिए ही आकर खड़ा हूं, आपके स्नान के समय हो रहा है, नहीं 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 तू स्नान क्या करेगा, तू मुझे मार रहा है, मैं तुझे आने नहीं दूंगा, मैं बंद कर दिया तुम्हारा, बोला हो ही नहीं सकता है, आप ऐसा क्यों मुझे बोल रहे, मैं कैसे आपको मार सकता, मारने का सोच भी नहीं सकता हूं, कब कैसे कहां चिल्ला दो, सारे लोग खड़े थे, पूरे गांव इकट्ठा था, 26 फैमिली खड़े थे, सब सबको सुना सुना करके, ठाकुर बोले वो तो सबका बोला ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी बोले मैं उनको मार रहा हूं, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने देते, बोले कैसे, बोले ना कब मारा, ना आज ही मारा, आज मारा, प्रभु बोल कैसे, मैं अभी स्नान करके आपके लिए जल पात्र पानी लेकर आऊं, ना तो पानी लेकर आते समय मुझे मारा, पत्थर मारा मेरे सर में, ब्लीडिंग हो रहा, तब उनको समझ में आया क्या सोच रहा है, जिसको चांडाल करके जो पत्थर मारा वही मेरा द्वितीय अभिन्न स्वरूप है, तो उसी क्यों पत्थर मारा, ना प्रभु मुझे पता नहीं था वो चांडाल था, वो स्नाय भी नहीं था, कैसे था, और रास्ता में सोया हुआ था, आपके पानी अशुद्ध हो जाएगा इसलिए मैं जगाया, जगा नहीं इसलिए पत्थर फेंक दिया, आप तो क्या करूं, मुझे पता नहीं था क्या करूं, कुछ तो कीजिए, प्रायश्चित कैसे होगा, आपके सेवा छूटना नहीं चाहिए, प्राण भले छूट जाए, बिकल होकर के गिड़गिड़ा कर रोने लगा। तो अंततः रंगनाथ फिर अपने वाणी से बोलने लगे, बोले हे लोग सारंग मुनि, अगर फिर मेरा सेवा वापस करना चाहते हो तो प्रायश्चित करना, उन्हें क्या प्रायश्चित दोष निवारण बताइए ना, अभी अभी जाओ, इसी अवस्था में वही गीला कपड़ा पहने थे, गमछा पहने थे, बोले अभी इसी स्थिति में जाओ, जाकर ढूंढो वो मेरा भक्त कहां है, मां उनको कंधे पर बैठाओ, बैठा करके ये सात परिक्रमा करो, तब मैं दरवाजा खोलूंगा। अब क्या कहना था, अब तो भगवान के आदेश दौड़ने लगा, पानी पानी चढ़ के दौड़ने लगा, 8 बज चुका था, सारे गांव दौड़ पड़ा उनके पीछे, पूरे बाल बच्चे सब जितने सारे पुजारी सब दौड़े, वो तो बेचारा जो फ्री अलवर थे वो हट करके दूर से अगर बैठ के रो रहे थे, अनुताप तो थे कि मैंने आज भगवान को भक्त भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, देखो भगवान के सेवक को मैंने कितना गड़बड़ किया, वो बेचारा स्नान करने के लिए सेवा के लिए जा रहे थे, उनको रास्ता में रोक करके उनको गड़बड़ किया, ये किया, वो अपने अनुताप कर रहे थे, देखे कि कई पब्लिक पीछे दौड़ रहे हैं और जो पुजारी स्वयं आ रहे हैं, वो पत्थर मारा था अभी तक पिटाई करेगा, आप तो मारेगा,
मैं दोष किया हूँ, मैं पिटने के योग्य हूँ, तो हाथ जोड़ के बोला है ब्राह्मण देव आप दंडित कीजिए मुझे, मैं दंड के लिए हूँ, मैंने इसे नालायक हूँ, स्नान भी नहीं रखा जा करके, स्नान करके अब आने का रास्ता पर सो गया जा करके, आप दंड दीजिए मुझे, ऐसे दंड दीजिए करके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तो मैं दंड देता हूँ, दौड़ कर गए उठा करके सीधे कोर में, क्या उठा कंधे में दौड़ कर गए, बोले क्या करना है क्या करना है क्या करना है, कौन सुन रहा है, उठा करते भगवान का आदेश मिला है तो करना ही है जो कुछ करना है, सीधा वो स्नान नहीं किया अभी तक जो फेरी वाला जो चंडाल, अभी वो स्नान नहीं किए, दंत धावन ब्रश नहीं किए, कुछ नहीं किए, ऐसे सोकर उठ के रो रहे हुए कि वहीं से सो जाए, और ये स्नान किए हुए मुख्य पुजारी वही गीला वस्त्र पहने हुए जल पात्र रख कर जाकर उनको कंधे पर बैठाए, बाकी जितने ब्राह्मण पुजारी उनके पीछे थे सब, और भगवान का नाम उच्चारण करते करते ये जो परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर का लंबा होगा, पूरा समय पूरा बन गया, 7 बार मतलब 2 पहर हो गया, उनको बैठा करके घुमाया पूरे होल बाजार पब्लिक के सामने। उन्हीं दिन से उसी दिन से उन भक्त प्रवर का नाम हो गया मुनि वाहन, मुनि को जो वाहन बना दी उनका नाम पड़ा मुनि वाहन। तब जाकर भगवान ने अपने दरवाजा खोले, बोले जाओ सेवा करो। इससे भगवान रंगनाथ स्वयं शिक्षा देते हैं हम सबको कि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल गोत्र और सभी हाव भाव से मंत्र जंत्र तंत्र से होने से काम नहीं चलेगा, आप कितनी बढ़िया निष्ठा से सेवा करो, रात से उठ करके स्नान करके चांदी कल से मंत्र पूत होकर के लेकर आओ, आई डोंट केयर। और ये एक चंडाल वंशोद्भव, नहाया भी नहीं मुंह भी नहीं धोया, लेकिन अगर हृदय से मेरा भक्त है उनके सेवा मेरे सेवा से बढ़ गया, उनके प्रति ऐसे व्यवहार किया, बंद करते दरवाजा। तो इसलिए केवल विग्रह की सेवा के बड़े मान कर जो करते हैं धोखा मिल जाए। भागवत में लिखा गया है, कपिल देव जी कहते हैं जो केवल भगवत आराधना करने के लिए लगेगा और भगवत भक्तों को प्रति असमान भाव रहेगा, उनके प्रति कदर नहीं रहेगा, वो तो ऐसे यज्ञ है जैसे राख में घी आहुति दो, राख समझते ना, राख में घी डालो कुछ होगा उसमें, ऐसे बिना आग में आहुति का भक्ति ऐसा। तो इसलिए भगवत भक्तों के प्रति भक्ति करना ही श्रेष्ठ भक्ति है रंगनाथ। तो रंगनाथ के साथ ये श्री मंदिर के साथ ये परंपरा के साथ ये वैष्णव परंपरा के साथ जो कहानी जुड़ा हुआ है, प्रसिद्ध कहानी अभी तक तो हम शुरू नहीं की रंगनाथ जी की, थोड़े सेवा के और उनके परिचय भी। ये जो श्री संप्रदाय है जिनका मुख्य देव श्री रंगनाथ है, क्षेत्र है रंगपीठ, उनका महिमा मुझे से बताया कि भगवान की महिमा से बढ़कर के भक्तों की महिमा, ऐसे जितने मुक्तिकामी पुरुष हैं शास्त्र में सब लिखा गया है कि भगवान के भक्ति बिना कोई और दूसरा उपाय नहीं है इसे उठा पाने का। भगवत भक्ति है क्या? भगवत भक्ति तो करना है, भगवान की सेवा पूजा करना है, फिर भगवान की सेवा पूजा के बाद जो भागवत में लिखा गया उसी भागवत में लिखा है, स्वयं भगवत वाक्य है, मद भक्तो पूजा अधिक, मेरे से मेरे भक्तों की पूजा और अधिक है, ये बात भगवान स्वयं कहते हैं। और हम देखे हैं, आप सभी का भी थोड़ा बहुत अनुभव होगा, भगवान के सेवा करके भगवान के कथा सुन करके आपको जितने आनंद महसूस होता है उससे कई गुना ज्यादा भक्तों की कथा भक्तों के चरित्र भक्तों की सेवा करने से ज्यादा अनुभव। भक्तों की सेवा करने से मुक्ति तो होगा ही, मुक्ति के अलावा भगवत भक्ति का रास्ता बड़े सुलभ हो जाए, बहुत सुलभ हो सकता। तो इसलिए भगवत चरित से भक्त चरित थोड़ा और अधिक है। तो इसलिए भगवान ने रंगनाथ ने अपने भक्तों की महान भक्तों की जो परंपरा जो महिमा रचे हैं श्री रंग जी के साथ उनका महिमा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उनको अगर नाम विचार किया जाए तो रंग महिमा अपूर्ण रह जाएगा।
जिस रंगा मंदिर के साथ तिरुमंगे अलवर की कथा है, तो इसे रंगनाथ जी की जो परंपरा सेवा परिपाटी धारा वैष्णवता उसके साथ जिनके जुड़ा हुआ है वो है श्री रामानुजाचार्य, जिनके समाधि आप दर्शन करके आए आज। यहाँ के वैष्णव संप्रदाय के इसी संप्रदाय के वैष्णवगण कहते हैं ये रामानुज की समाधि नहीं है, ये तो सख्यात रामानुज है, सानिध्य है उनका, सख्यात रामानुज बोलते हैं उनकी समाधि नहीं ना, बोले समाधि तो हम दे दिए थे, वो स्वयं ऊपर उठ कर बैठे, वही कहानी है। ये जो विग्रह है उन्होंने कोई बनाकर स्थापना नहीं की थी, वो स्वयं बोले मैं आकर बैठा हूँ, आकर क्यों रो रहे, रो रहे थे, बोले क्यों रो, हम बैठा हूँ आकर देख, मुझे आकर देखे ऊपर उठ कर बैठे थे, समाधि तो नीचे दिए थे लेकिन ऊपर उठ कर स्वयं बैठे, ये जो दर्शन करते आए जिसको स्वयं प्रकट होकर बैठ गए, इसलिए उनको साक्षात मानते हैं। तो वो रामानुज के जो कथा है उनके गुरुजी से जुड़ा हुआ है, उनके गुरुजी से जामुन मुनि जमुनाचार्य अलवन्नाथ ये भी एक प्रसिद्ध अलवन थे, उनके साथ यद्यपि डायरेक्ट दीक्षा नहीं ले पाए लेकिन उन्हीं का शिष्य माना जाते हैं। श्री जमुनाचार्य की कथा इस प्रकार है, दक्षिण मदुरा, मदुराई वहां पर उनके जन्मस्थान हुआ था, उस समय में लगभग 1200 साल के पहले घटना है। तभी जमाने में इस वैष्णव संप्रदाय में श्री संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था नाथ मुनि, ब्राह्मण कुलोद्भव थे, श्री नाथ मुनि थे। श्री नाथ मुनि अब गृहस्थ थे लेकिन ज्यादा समय गृहस्थ में रहे नहीं, उन्होंने वैराग्य व्रत धारण किए। तो उनके एक पुत्र था, एक पुत्र के बाद में तो उन्होंने वैराग्य लेना विचार किए, वैराग्य लेने से पहले बोले एक बार मैं तीर्थ भ्रमण कराता हूँ। तो उनके पुत्र तभी जवान थे, उनको विवाह कर दिए, विवाह करने के बाद उनके पिताजी के देहांत हो चुका था, तो वो सोचे कि पुत्र और पुत्रवधु और पत्नी के साथ जाकर तीर्थ भ्रमण करेंगे, तो ही किए भी, बोले तीर्थ से आने के बाद फिर घर त्याग के चला जाना। तो जब तीर्थ भ्रमण में गए थे पति पत्नी और उनके पुत्र और पुत्रवधु के साथ, तो उत्तर भारत में जो गंगा नदी के किनारे चलते चलते जाते थे, तो उनके पुत्र वधु की गर्भ धारण की थी जमुना नदी के किनारे, गंगा जी में जमुना किनारे कहा जाता है वृंदावन के आसपास कहीं। तो फिर तीर्थ से आने के बाद उनके पुत्र के देहांत हो गया, रह गई उनके पुत्र वधु गर्भवती थी, लेकिन उनको वैराग्य लेकर जाना था, बोले क्या करूं उनके घर में हमें अकेला रह गया। तो कुछ समय के बाद उनके पोता हमने उनके पुत्र वधु के जो पुत्र हुआ, पुत्र होते ही उनको नामकरण करके गृह त्याग करके चले गए, उनका नामकरण क्योंकि जमुना उनका नाम रखने, क्योंकि जमुना किनारे उनका कंसेप्ट हुआ था, तो जमुना नाम रखते वो चले गए। वो तो विरक्त होकर चले गए लेकिन दूर से रहते थे, कहीं खबर रखते थे कैसे क्या होता है, वो अपने चलते थे, बड़े घर के थे। तो अंततः उनका भी वृद्धावस्था आया, तो उनका एक शिष्य थे नमी जिसका नाम था, उनको उन्होंने बोले देखो मैं तो नहीं जा सकता, आपके ऊपर मैं उत्तरदायित्व तो छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे जो प्रपुत्र है जमुना उसको आप किसी प्रकार से भक्त बनाना, मेरा बहुत इच्छा था, जमुना नदी के किनारे उनका विवाह हुआ है तो उसको मैं जमुना नाम रखा हूँ और उनको इस संप्रदाय के अच्छे भक्ति के रूप में आपका दायित्व बनाना, तो उनके शिष्य को भेज दिया। तो वो चले गए हम लोग, तो नंबी आकर के घूमते थे, वो जो जमुना थे वो बिल्कुल यंग लड़के थे, उनका उम्र केवल 5-7 साल का हुआ था, नाथ मुनि चल बैठे और उनके शिष्य जो थे वो तो सन्यासी थे नंबी, वो तो घर में आकर रह नहीं सकते,
लेकिन वो खबर लेते थे कि कभी उपयुक्त समय आएगा उनको भी भक्त बनाऊंगा। लेकिन भक्त तो पढ़ने के लिए गए, तभी जमाने स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं था, सब बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करता था, कोई कोई बड़े बड़े वेदांति गुरु होते हैं, अपने अपने घर में शिक्षा देते थे। और शिक्षित होने के बाद शिष्य लोग जो उनको शिक्षा अंत में जो दक्षिणा देते थे उसमें उनको परिप्रश्न होता था। तो भाष्याचार्य एक बड़े आचार्य थे, उनके गुरुकुल में जमुना जी जाकर पढ़ते थे। तभी जमाने में इस क्षेत्र का पांडे वंश का राजा राजनीति करते थे। जो पांडे राजनीति करते थे उनके दरबार में एक ऐसे दरबारी पंडित आया, तो इतने बड़े ज्ञानी था वो, इतने बड़े स्कॉलरली पर्सन था, तो उन्होंने राजा को बहुत प्रभावित किया अपने ज्ञान के द्वारा। और उन्होंने आसपास में जितने बड़े बड़े पंडित थे सबके साथ तर्क युक्ति करके सब रास्त किया, करते करते पूरे दक्षिणात्य में जितने देश था सभी देश को चैलेंज करके अपने पंडित के प्रभाव से सबको परास्त किया। वो आ करके राजा ने बड़े खुश हुआ, खुश होकर के राजा को बोल करके एक आयन लगा दिया, नियम लगा दिया, क्या ना कोई अगर पंडित पढ़ते हैं वेद शास्त्र पढ़ते हैं और पंडित बनना चाहते हैं, अगर मेरे साथ आकर तर्क ना करके मुझे परास्त नहीं कर पाए देन दे हैव टू पे टैक्स, पंडित टैक्स। अब कौन पढ़ेगा, जितने ब्राह्मण है सब तो उनका स्वाभाविक है पठन, पठन का कर्म है, पठन करेंगे, पठन करके अगर उनको साथ तर्क में हरा नहीं सके तो टैक्स कौन करना पड़ेगा, यही तो ब्राह्मण सब गरीब होते भीख मांगे होते हैं, और फिर उनको टैक्स कौन पेड करेगा। तब जमाने स्कूल भी इसका जो खोलते थे, आजकल स्कूल नहीं, पहले से एडमिशन से पहले फीस जमा करना पड़ेगा, तब पढ़ो ना पढ़ो फिर जो करके देखो, नहीं कहीं भी जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद कंप्लीट सेटिस्फाइड होने के बाद फिर आप जो दक्षिणा देना है देखें, पहले नहीं, ये भी नहीं। तो इसलिए हम लोग सब गरीब होते थे, तो लेकिन वो पूरे देश में पंडित टैक्स लगा दिया, सारे ब्राह्मण लोग दुखी रोते थे कहाँ से पैसा लाएंगे टैक्स देंगे, और पंडित उनका नाम कोलाहल था, क्योंकि ऐसे कोलाहल रचाया था पूरा देश में, लोग डर डर करके छिपते थे अपने कहने के लिए, छिपा के मेरे नाम में पंडित हूँ ब्राह्मण कहना नहीं चाहते, कहने से टैक्स लगा देंगे, आपने मूर्ख बनना चाहते थे, बोले भाई बोलो स्कूल चलाएंगे किसे, लोग पढ़ेंगे किसे, किसी का जो पंडित है उनके पास पढ़ने जाएंगे, पंडित कहने से आकर पता लगा जाएगा पंडित हो तुम्हें, जाओ युक्ति करो, और हरा नहीं सकता टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार भाष्याचार्य स्कूल था उनको आकर ललकार किया, राजा कोट पंडित था जाना पड़ेगा, गया हार करके उनका ऊपर टैक्स लगा, वो बेचारे गरीब थे टैक्स नहीं दे पाते, 3 साल से टैक्स हम जमा नहीं किए थे भाष्याचार्य, पूरे राज्य में जितने ब्राह्मण पंडित थे सब इतने दुखी थे, इतने गाली देते थे करेंगे क्या, लेकिन राजा तो उनके हाथ में, राजा बिल्कुल वो राजा को बस करके रखा था अपने प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, सभी रोते थे बड़े दुखी थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो भाष्याचार्य भी दुखी थे, कहीं जाकर दूर दूर से भिक्षा करके टैक्स देना कैसे दूं क्या करूं। तो इस प्रकार भाष्याचार्य ने अपने कांचीपुरम के पास मद्रास चेन्नई और कांचीपुरम बीच में उनका जगह था, वहां से जगह पर उन्होंने अपने स्कूल था, इसी स्कूल में जमुनाचार्य पढ़ते थे। एक दिन उनके टीचर भाष्याचार्य कहीं गए बाहर में काम में, तो जो पांडे राज के पंडित राज पंडित कोलाहल का एक शिष्य दूत बनकर के आया, घोड़ा चढ़कर टैक्स कलेक्शन करता था, आ करके उनके स्कूल के सामने पहुंचा, सब हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे छात्र, जमुना तभी 12 साल के थे, केवल 12 साल के लड़के थे, वो घर में नहीं थे स्कूल में, वो आकर पहुंचा, पहुंच करके चिल्ला कर गाली दिया, अरे भाष्याचार्य तू कहाँ है, क्या भूल गया, 3 साल के टैक्स ने जमा दिया कि दोबारा युक्ति करना चाहते हैं मेरे गुरु जी के साथ, नहीं जानते वो कितने धुरंधर पंडित थे, ऐसा करके बात करने गाली देने लगा। तो दरवाजा खोल कर भी देखे, एक पंडित जब युवक घोड़े से चढ़ करके ऐसी गाली देता है, अपने गुरु जी की निंदा सुन करके कान हाथ दिए, गुरु जी को निंदा क्यों ऐसे कर रहे हैं, बड़े भद्र भाव से पूछे आप कौन है क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तू कौन है, तू नहीं जानता, ऐसे ऐसे करके अपना परिचय भड़क करके दिया। उन्होंने अपना परिचय, मैं तो एक खिद्रात अधम शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी कौन है, गुरु जी ने भाषा, अरे यही भाषा सर तुम्हें शिष्य,
कहाँ है उसको बुलाओ, वो हमारे गुरुजी का टैक्स नहीं जमा किया, इतने गर्व हो गया उसको। तो उन्हें समझा कि क्या टैक्स है क्या है, तो इनको सुन करके यमुनाचार्य क्रोधित हो गए, होकर बोलने लगे, अच्छा तू ऐसी महामूर्ख है, क्यों नहीं होगा, तू भी मूर्ख है, तू भी मूर्ख होगा, जैसे फल ऐसे पेड़ होगा, फल को देख कर फड़े ना परिचय, छोटा सवाल क्या कहते ना, वो क्या तुझे भाषा भी बोलना नहीं आता, युक्ति करके हरा कर टैक्स लगाता है मेरे गुरु जी युक्ति करने के लिए। बोला अरे पूरे राज्य में कोई ऐसे पंडित नहीं जो पंडित कोड़ाहाड़ मेरे गुरु जी के साथ युक्ति करे, तो इसलिए अगर टैक्स नहीं जमा किया उसको बोलो आकर युक्ति करे, नहीं तो टैक्स जमा करे। ऐसे उदंड वाक्य को सुन करके बालक जमुना ने बोलने लगा, अरे मूर्ख की चेला मूर्ख, जाकर बोल देना तेरे गुरु जी को कि मेरे महानुभाव भाष्याचार्य हमारे गुरु जी उनको क्यों बुलाता है युक्ति करने के लिए, उनका एक खिद्राति खिद्र बालक शिष्य उनको चैलेंज करता है युक्ति करने के लिए, अगर उनका ताकत है तो मेरे साथ युक्ति कर देंगे, उनके मेरे गुरु जी से युक्ति करेंगे। इसी बात को सुन करके इतने कुदित हो गया कोलाहल के शिष्य, उनको तो सेंसेस होने से कांपने लगा था, बोली ना निकला उनसे, इतने क्रोधित हो गया, बोला ये बदमाश छोटा सा बालक ही उठपटांग ऐसी बात कर रहा है, मेरे गुरुजी के सामने कुछ बोल नहीं पाया, आंख और मुंह बिल्कुल तमक उठा लाल हो गया, क्रोध नेत्र होकर के घुड़ा छपटा कर दौड़ पड़ा, बोला बोलना ही कहा रही दुष्ट बालक है, दौड़ करके गया, हांफते कांपते जा करके राजभवन पहुंच करके गुरु जी अपने कोलाहल से सारे बोल गया घटना, और कुछ चार चटनी लगा करके, और जितना घटना नहीं हुआ था और कुछ बढ़ा चढ़ा कर खूब बोला, ऐसा था इसे अपमानित किया इसे किया इसे किया, और कैसे लड़का था 12 साल का, उम्र सुन करके वो भी हंसने लगा, अरे तू भी ना, अरे इसे अपमानित किया, सारे स्टूडेंट के सामने भी इसे बढ़ बढ़ कर बोला, बोला कि अरे जाके बोले तेरे गुरु जी को अगर ताकत है तो मेरे से युक्ति करके देखे। अब तो बोला ऐसे कहता हाँ ऐसे सबके सामने चैलेंज किया, अब बोला हाल में राजा के सामने बताया कि इसे इसे बालक इसे बात कहते हैं, आप देखिए मैं राज पंडित हूं, ये राज दरबार का अपमान है, राजा बोले अवश्य राज दरबार का अपमान, हमारे राज पंडित का अपमान राजा का अपमान, राज अपमान है, राज तो ही है, तुरंत उनकी व्यवस्था किया जाए, राजा का आदेश पा करके और चढ़ गया, तुरंत उनके चेला को जाओ इमीडिएटली बोलवा आ जाए युक्ति करने के लिए, क्या करेगा, तो फिर दौड़ कर गया जाकर पहुंचा, तब तक उनके गुरु जी आ चुके भाष्याचार्य, और सारे लड़के ने बताया कि आज ऐसी घटना हुआ था, और ये भाष्याचार्य सर में हाथ देकर उल्लू मर गया, तो ऐसा क्यों किया, बोला एक महा सर्प क्रोधित सर्प के पूछ में कोई चप्पल पहनकर, चप्पल आज लकड़ी के चप्पल होता था पहले, खड़ा पहनकर चढ़ जाए कुचल दे उसको, कितने क्रोध से तिलमिला उठे, तो ऐसी तिलमिला उठेगा खा जाएगा हमको, तो फुटकार से जला देगा, अरे मर गया मेरा वंश नाश हो जाएगा, स्कूल तो गया तू भी जाएगा हम भी जाएंगे सब मर जाएंगे, राजा के क्रोध सब मर जाएंगे, रो रहा था बोला गुरुजी क्यों चिंता करते, मैं हूँ ना कुछ भी हो तो मैं हूँ आपके लिए, अरे तू क्या करेगा मैं जानता हूँ राजा कितना हम कहे वो पंडित के साथ, तो इतने में ही दौड़ करके आकर इमीडिएट फिर हुआ आकर के बोला ए चलो जैसे आया वो तो घर में छिप गए, जमुना जी आगे गए क्या हुआ, राज आदेश है गुरु जी का आदेश है चलो युक्ति करने के लिए, तुझे जैसे एक ज्वलंत अग्नि के साथ कोई पतंगा जाता है एक सेकंड में जलकर राख हो तो ऐसे ही हो जाएगा चल, वो हंस हंस कर जमुना जी बोले जाकर तेरे राजा को बोलो, अभी गुरु जी के राजा को बोलो कि उनको कोई राज पंडित के सामने प्रतिद्वंदी राज प्रतिद्वंदी होना चाहिए, इसी में इसी चल जाएगा चल करके राज प्रतिद्वंदी का लाइफ है, तो जैसे राजभवन में राज प्रतिद्वंदी की तरह जाना मुझे इसी बुला के लेकर जाए देना उनको तब मैं जाऊं, उसको तो समझ नहीं, फिर वापस गया अच्छा फिर वापस गया जा करके बोला कोलाहल पंडित समझने वाला बात है राजा का, राजा बोल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल समझता है, जो राजभवन के राज पंडित के साथ दरबार युक्ति करेगा वो बदल कैसे है, उसको राज सम्मान से बुलाएगा, बुलाया नहीं है इसको मैच करके बुलाते हैं हैंडशेक करते ना जो ये लीडर दोनों हैंड मिलाते हैं दोनों समाज के अंदर होंगे तब तो मैच होगा,
उसको ऐसे ही नालायक समझे तो न्यास कैसे हो? न्यास के लिए बुलाते हैं इसको फिट, तुम राज सम्मान के साथ बुलाया जाए। राजा बोला सम्मान कैसे? तो बिल्कुल बाजा गजा बजाओ, हाथी घोड़ा कलश पालकी लेकर जाओ, पालकी में बैठा करके सवारी प्रशासन साथ लेकर गया, पूरे प्रशासन राजा ने भेजा। प्रशासन कोई पंडित ब्राह्मण पाठ करने गए, आलत सामर गया, चांदी के पालकी गया, हाथी घोड़े गया, बाजे गाजे बजा करके लेकर आने के लिए पहुंच गए। यहाँ तो सब रो रो करके विदा किए, बोले पता और क्या होगा, लेकिन यमुनाचार्य अपने गुरु जी के चरण धूलि देकर बोले गुरु जी चिंता मत करो, आपकी चरण रज के प्रभाव से मेरा विश्वास है, इस महा अहंकारी इसके गर्भ में खर्ब करके आप सुनो बढ़ गए लीडर होकर। 12 साल के लड़के थे, उनके गुरु जी की छाती हार्ट बीटिंग बढ़ चुका पता नहीं क्या। हमारे सिर्फ बड़े बड़े लोगों को तो शंका चोर किया है, बोला हर पंडित बड़ा भयानक ज्ञानी है, क्या करेगा मेरा शत्रु, 12 साल का बड़ा लड़का है, बिल्कुल नाबालक है। आजकल गवर्नमेंट का रूल है 18 साल होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कि 12 साल का है, हाई स्कूल एग्जाम भी नहीं दिया तो कैसे जाएगा। आप उनको बैठा कर छोटा 12 साल का बालक बिल्कुल सुकुमार अवस्था है, ये बात चारों तरफ फैल गया, क्योंकि बाजे गाजे प्रतिष्ठा के साथ चांदी के पालकी में बैठकर जब चल रहे हैं तो आसपास गांव के लोग हल्ला हो गया, ये भाष्याचार्य की छोटा सा 12 साल का लड़का शिष्य राज पंडित कोलाहल को चैलेंज करके जा रहा है राजसभा में युक्ति करने के लिए, तर्क करने के लिए। गांव दूर दूर से गांव से पंडित ब्राह्मण ब्राह्मणी बालक बालिका अबाल धमनिता दौड़ आए, दोनों रास्ते के चारों तरफ हजारों संख्या में देखने लगे। सब देख करके जितने ब्राह्मण ब्राह्मणी छाती भर भर कर हृदय भर भर कर आशीर्वाद देने लगे, सब बोलते हे प्रभु अगर अभी तक मैं जितने व्रत तप जप नियम किया हूँ सारे लगा देता हूँ बेटा मेरा जीत जाए, ये बालक जीत जाए, मैं कहाँ से लाकर टैक्स दूं, ये पंडित सड़ जाए तो टैक्स सड़ जाएगा, हम रो रो करके मर गए, हम खाने के लिए कहाँ से मैं टैक्स दूं। तो कितना अच्छा बालक है, कितने अच्छा स्वभाव है, भगवान करे तू जीत जा, जो जहां जहां देखता है भर भर करके अपना आशीर्वाद देते लगे, सब उनके भलाई चाहते थे। अब जमुनाचार्य बिल्कुल बालक अपने शांत के साथ पालकी में बैठकर जा रहे हैं, और आगे आगे वो जा रहा था कोलाहल का शिष्य, पीछे मोड़ कर देख रहा था होल पब्लिक इज प्रेजिंग फॉर हिम, वो सुमिष्टि कर रहे हैं उसको बढ़ाया करें तो और तो उनका चंगा शुरू हो रहा था, लाले लाल हो जाता है, अरे सारे पब्लिक उनके तरफ से ऐसे करते हैं, देखता हूँ फोटो उठा कर ले जाते, देखूंगा उनको भी देखूंगा, राजा को बोलूंगा सर जो हार जो हार कर आएगा ना पंडित को बोल गुरु जी को बोलकर राजा को बोलकर आपका सबका हाल ठीक करूंगा, देखता हूँ सभी से करता हूँ। सारे तो बोलते जो होगा, लड़का को देख करके भूल जाते थे अपने को, भर भर कर आशीर्वाद देते थे, केवल आशीर्वाद देते नहीं उनका पीछे चल पड़े। राजा भेजा था 50-100 लोग, जब जमुनाचार्य राजदरबार का उनके पीछे मिनिमम फ्यू थाउजेंड कई हजारों संख्या में पब्लिक उनके पीछे लगता देखने के लिए क्या होगा। ये 12 साल के लड़का राज पंडित कुलाह उनके साथ पांडे नरेश उनको कम्पीट करने जा रहा है, हाय हाय क्या होगा, कैसे होगा, मरेगा बदल हो जाएगा, क्या होगा, कोई बोलता नहीं था, ऐसे अधड़ फंस करके हजारों हजार संख्या में नरनारी उनके पीछे चल बैठे थे। दूर से राजभवन के छात के ऊपर राजा और रानी दोनों बैठ करके देख रहे थे, दूर से दिखाई पड़ा इतने विशाल जन समुद्र के सामने वो बालक आ रहा है, उसको देख करके छात के ऊपर से दोनों राजा रानी बात कर रहे हैं। राजा बोले देख रहे हैं, रानी की बोले देख रहे हैं देवी ये बालक आ रहा है, ये बालक मेरे राज पंडित कोलाहल को चैलेंज नहीं किया, मेरे साथ चैलेंज किया, राजा के साथ चैलेंज किया, राजद्रोही के नाते इसे देखना किस प्रकार उनके सत्यानाश हो जाए, जल जाए, पंडित का कोलाहल का सामने टिक नहीं सकता कोई। ऐसे कह रहे तो रानी बोले बोले महाराज बुरा ना माने, मेरा तो आत्मविश्वास होता है ये सुकुमार स्वभाव के बालक निश्चित जीत जाएगा, ये तो जीत जाएगा, तुम्हारा राज पंडित अहंकारी हार जाएगा। राजा ने हंसने लगे बोले अरे दुष्टा ऐसे कैसे सोच सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, हो कैसे सकता, ये पूरे दक्षिणात्य प्रदेश में कोई नहीं जो पंडित कोलाहल का सामना कर सके, ये बालक छोटा सा नादान बालक वो क्या करेगा, किसी हो नहीं सकता है, वो तो निश्चित उनका नाश हो जाएगा।
भले प्रभु जो कहिए मुझे तो लगता है कि वो जीतेगा, आप तो पंडित का नाश हो जाए। और दोनों का युक्ति होने लगा। यहाँ जाते इन दोनों का राजा और रानी के बीच में चैलेंज छिड़ गया। चैलेंज छिड़े तो बोलते क्या चैलेंज? हाँ चैलेंज क्या? तो सबसे पहले रानी साहब ने बोलने लगी, महाराज अगर इस चुक्ति में, इस तर्क सभा में अगर ये बालक आपके राज पंडित को हराने दे, अगर जीत ना जाए, तब मैं प्रतिज्ञा करती हूं सदा के लिए इस इवेंट के बाद सदा के लिए आपके दासी के दासी हो जाऊंगा, नौकरानी हो जाऊंगा, आपके नौकरानी का नौकरानी होकर रहूंगा, रानी पद छोड़ूंगा। तो उन बात को सुन करके राजा ने बोले, अरे मूर्ख, इतनी बड़ी दाव लगा दी तूने, ऐसा को होता नहीं, और क्या मेरा विश्वास साथ में करती हूँ। तो राजा ने बोला, ठीक तुम जब इतने बड़े चैलेंज, मेरे भी चैलेंज सुन लो, वो तो निश्चित ही होगा। अगर इस बालक हरा दिया ना मेरे पंडित को, तो मैं मेरे राजकुमारी मेरे बेटी को उनकी शादी दिला दूंगा और आधा राज्य का राजा कर दूंगा, राज्य दे दूंगा, जो तुम मेरा दामाद ही बनाऊंगा, उनको राजा ही बना दूंगा। तो उनकी तरफ से ये चैलेंज होगा। अब चैलेंज के बाद दोनों आ गेट के पास पहुंचे तो राजा और रानी को दोनों उतर के पड़ा, हम रिसीव करेंगे, रॉयल गेस्ट है, राजा को रिसीव करना पड़ेगा। दोनों आए, रिसीव किए, कोलाहल पंडित पर आया, पूरे उससे देख कर धसरा, तो नहीं लड़का है, उस करके रिसीव किए। और जो मंच बनाया गया था, लख लख लोग चारों तरफ बैठ गए, अपने अपने जात पात के हिसाब से सब बैठने लगे। तो बीच में मध्य मंच में जहाँ दोनों तरफ आसन लगा गया था, मुख्य आसन था राज पंडित कोलाहल का, उनके लिए एक चटाई डाल दिए थे। वो वहाँ पहुंचा, वो हंस करके बड़े गर्व के होकर के वही कर रहा था, तो उनके भाव को देख करके तो बोलने लगा जमुना ने बोलने लगे, तो महाराज और राज पंडित कोलाहल आपको प्रणाम हूँ, लेकिन क्या मुझे आपने अपने समक्ष को प्रतिद्वंदी नहीं मानते? तो प्रतिद्वंद कैसे होगा, द्वंद्व कैसे होगा? क्यों ना, जो हम दोनों समासकंद द्वंद करेंगे, समासकंद होना चाहिए। आपके आसन मेरे आसन क्यों नहीं? आपके भव्य आसन है, मेरा क्यों चटाई डाल दी? राजा को देख, राजा मुनि पूछित कर लगाओ तुरंत आसन, उनका भी लगाओ, ऐसे ही आसन उनका, भव्य आसन उनका भी लगाओ, दोनों समासकंद होना चाहिए। बोलते हैं कि जो केवल एज की दृष्टि से पांडित्य गणना करता है वो तो मूर्ख है। बोलते हैं कि गणना करते हैं, उनको शूद्र कहते हैं। बोले शूद्र की तरह आप तो है ही नहीं, मैं मानता हूँ आप पंडित ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि जो रिस्पेक्ट का तरीका होता है, शूद्र लोग रिस्पेक्ट देते हैं किसको? जो एज में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, शूद्र लोग उसको रिस्पेक्ट बड़े मन के मानते हैं। शूद्र के बाद वैश्य हैं, वैश्य लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे जिनके पास धन ज़्यादा है, उम्र नहीं देखेंगे। जो पैसे धन वाले हैं तो उनको बोलेंगे बाबू, बाबू कहेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। और क्षेत्रीय गण है वो जिनके पास उम्र नहीं, धन नहीं, बल ज्यादा है, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, सीनियर मानेंगे। और ब्राह्मण लोग जो हैं और जिनके पास ज्ञान ज्यादा है उनको सीनियर मानेंगे। बोले आप किस क्या देखते हैं? बोले उम्र को देखते हैं, तो शूद्र ही है क्या? शूद्र बोलता है ये परिभाषा है, तो हार गया बेचारा, तुमको समझा दिए, तो उम्र के हिसाब मत देखिए, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान को उम्र नहीं देखता, किसी उम्र ज्ञान हो सकता है। आप देखे नहीं भागवत के वक्ता सुखदेव जी कैसे थे और श्रोता कैसे थे? चुप कर सुखदेव गंभीर हो गए, बोले लड़का बड़ा कौन था? तो उनको राज आसन में बैठा गया, विशेष आसन में, और मंच के बिल्कुल सामने सामने राजा और रानी दोनों आकर बैठे मुख्य आसन पर, और डिबेट शुरू होने वाला। डिबेट में वो बोले तुम पहले शुरू करो, तुम पहले शुरू करो, क्योंकि जब डिबेट होता ना पंडित तो कोई नहीं राजी हुआ कि मैं पहले शुरू करूँ। बोले तुम पूछो, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो समझो मतलब मैं जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं क्यों पूछूँ, मुझसे मैं क्यों पूछूँ? तो दोनों से तुम पूछो, तुम पूछो। तो राजा ने बोला तुम सीनियर हो, तुम बुलाया उनको, तुम पूछो। राजा आदेश हो, आपने बुलाया उनको डिबेट के लिए, थोड़ी बुलाया आप, चैलेंज किया तो आप ही पूछो। तो पंडित बोला हाँ सर ठीक है, मैं पूछता हूँ, सतर्क हो जाओ। तो उनको पूछने लगा कुछ व्याकरण के, कुछ उपनिषद के, इस प्रकार सूत्र उनको प्रश्न किया। तो इस प्रश्न को आसान से उत्तर दे दिया जमुना ने, दे करके बोला क्या मुझे छोटे बालक समझ करके इसे इसे सरल प्रश्न पूछने क्या?
आप क्या जानते हैं, पूछिए ढंग से, कठिन से कठिन प्रश्न कीजिए। मेरे इसे कहते हैं मैं पूछूं, मैं क्या नहीं जानता, तुम पूछो, मैंने पूछा हो गया, मैं तीन चार प्रश्न पूछाऊ, तुम पूछो। तो उन्होंने बोला ठीक है, राजा रानी को प्रणाम किया, सभी सभासद उपस्थित सुधावर्ग को दर्शक वृंद को प्रणाम किया, बोले सबके साथ सबके सम्मान में हमारे प्रतिद्वंदी पंडित राज पंडित कोलाहल को सम्मान करके मैं केवल तीन ही प्रश्न पूछूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर तीन प्रश्न का उत्तर राज पंडित कोलाहल दे दे तो मैं सभी के सामने शपथ करता हूँ मैं उनका ही हो जाऊंगा महाराज, जो आपकी इच्छा हो। तो पंडित ने बोला अरे ऐसे नहीं, ये प्रतिज्ञा होगा महाराज के सामने बताता हूँ, तू तो हारेगा ही, तो तीन प्रश्न के उत्तर में दे दूंगा तो हार जाएगा, तो तुम्हारा मृत्युदंड होगा महाराज, ऐसे आदेश करे। महाराज हाँ, राजद्रोही है, राजद्रोही का तो उचित दंड ही है, पहले से ऐसा बोल रहा था मृत्युदंड हो जाएगा। अब शासन पर बैठ गया और कुछ तो जमुना जी ने 12 साल के बालक उन्होंने बोले देखो जुक्ति में दो प्रकार के बात होता है, कि खंडन और मंडन। मंडन मतलब आप जहाँ कहेंगे इसी को पुष्टि कर दो, यही बात है उसको बोलते मंडन। खंडन मतलब वो आप जहाँ कहेंगे उसमें डिस्प्रूव कर दो, प्रूव कर दो कि नहीं है गलत, उसको बोलते खंडन। बोलते मैं कोई स्टेटमेंट दूं आप उसको खंडन कीजिए, खंडन मंडन कितने नाम दिया। बोले हम ही तीन हम स्टेटमेंट देंगे, तीन स्टेटमेंट को आपको खंडन करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा ये गलत है वो नहीं है। ओके, युक्ति में खंडन मंडन होता है, जो तर्कशास्त्र पढ़े हो जानते हैं प्रारंभ से खंडन मंडन होता है। तो सबसे पहले सबसे अनुमति आशीर्वाद लेकर के बालक जमुना ने बोलने लगे, हे राज पंडित कोलाहल, मेरा प्रथम वाक्य ये है कि आपके माता बंध्या नहीं है, समझ आया क्या है। बोले आपके मां बंध्या, समझते आपके मां बंध्या नहीं है, खंडन करो। खंडन करना है क्या, प्रमाण करना होगा कि आपका मां मेरी मां बंध्या है, बंध्या तो किसी को बेटा हुआ है। अब ये प्रश्न स्टेटमेंट दिए कि हे राज पंडित आपके मां बंध्या नहीं है, आप तो उनको पुत्र है वो बंध्या नहीं, तो आपको खंडन करके प्रमाणित करना हो कि मेरे मां बंध्या है। आप कैसे उनको प्रमाणित कर स्वयं बैठे मेरी मां बंध्या कैसे कहूं मैंने। इस स्टेटमेंट को सुन करके जल उठो नरी मूर्ख, ऐसे प्रश्न कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, मैं कैसे कह सकता हूं उसको, कहो बोले तो भूल प्रमाणित करो, जैसे जैसे प्रमाणित करो, मेरे तो वही स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकता हूं, उसका मां भी बैठी थी दर्शक मंडली में, अब कैसे कहेगी मेरी मां बंध्या है करके, बोल ही नहीं पा। इतने गुस्सा में चूर चूर हो गए, बोले भाला कैसे प्रश्न कर दिया मुझे। अब राजा साहब कोर्ट पंडित बड़े बड़े लोग सब उनके शिष्यगण और जिसने दर्शनार्थी बैठे थे सब स्तब्ध शांत हो गए कि राज पंडित को मुंह नहीं खुल रहा है, उत्तर ही दिया है, गुस्से में समसम कर रहा है, सांस नहीं रहा, गरम गरम कुछ बोल नहीं पा रहे। दो तीन मिनट सब शांत हो गए, बोला दुष्ट इसे प्रश्न कर रहा है, आपको ही उत्तर देना पड़ेगा। मैं उत्तर दूंगा, चिंता मत करो, आप नहीं दे पाएंगे तो उत्तर दूंगा, ठीक है दूसरा प्रश्न करो, ठीक है इसको छोड़िए, दूसरा स्टेटमेंट मेरा सुन लीजिए, इसको खंडन आपको करना है। दूसरा यह स्टेटमेंट मेरा है, हमारे महाधार्मिक महाराज पांडे नरेश एक महाधर्म प्रेमी राजा है, खंडन कीजिए। खंडन करने क्या स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा, राजा हम बैठा था कि राजा पापी है। महापुण्यवान धर्मरूपी नहीं है, उसको उल्टा प्रमाण करना पड़ेगा। राजा को और देखने लगा, राजा हमको और देखने बड़ा मर गया, किसे बोलूं मैंने। हम करें इसे बोली नहीं पाऊ। आप तो सेकंड स्टेटमेंट में इसे हो गया, दिल भी ना उठा, सारे आवार मतलब जितने आपाद मस्तक रोम सब खड़े हो गए, सब रक्त चुकने से पूरा पूरा लाल पड़ गया, जहां देखता है तहां देखते लोग उनको भूल भूल को देख रहे, कुछ बोल नहीं पाए,
मुझसे जवाब ही नहीं निकले। राजा बैठा है सामने, किसी बोले कि राजा पापी है अधर्मी है? अरे दुष्ट ऐसे प्रश्न कर रहा है। पंडित जी गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए, मैं उसको उत्तर दूंगा, आप नहीं दे पाएंगे तो असमर्थ हो। तीसरा पूछो। ये ठीक है, सबके सम्मति लेकर मैं तीसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बस आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा तीसरा स्टेटमेंट है कि इस उपस्थित भद्र मंडली में हमारे महा राजमाता श्री पांडे महारानी, महा कुलशील रमणी, रमणी कुल मकर मुकुटमणि, ये हमारे महारानी एक सती सावित्री के तरह पतिव्रता हैं। समझना क्या करना पड़ेगा तुम लोग, ये एक वेश्या है, ये ब्राह्मण नौ रानी के साथ राजा रानी दोनों बैठे हैं, ये इसी ब्राह्मण के साथ। अब ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों को तीनों सुन करके खड़ा हो गया तुरंत सीट से, असंभव है। ऐसे ऐसे वाक्य तो चतुराई मुझे मारने के लिए, मुझे मुख बंद करने के लिए तू ऐसा स्टेटमेंट कहा है, कोई तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, तू हो ही नहीं सकता, उसके विरुद्ध कैसे कौन कर सकता, वो असंभव, कैसे कहा जा सकता है ऐसे वाक्य को, खंडन कैसे किया जा सकता है। खड़ा होकर चिल्लाकर बोलने लगा, ऐसे बोलने लगा कि राजा को उठकर बोलना पड़ता क्रोध शांत करो, देखते हो चांस दीजिए, शायद समथिंग इज देयर, चांस दीजिए। पूरी सभा लाखों लोग खड़े हो गए, ये सुनकर ताली बजा दी, अभी क्या होगा पता नहीं, ताली बजाना तो वो बैठ गया, बोला अरे देखो अभी एक एक उत्तर नहीं दे पाएगा, हमका सर काट होगा। सब गंभीर हो गए, इतने अच्छा लड़का पता नहीं इसे क्वेश्चन किया कि इसको उत्तर ही नहीं हो सके, खंडन हो ही नहीं सके। लेकिन जैसे विरोध होकर के उनको वापस आ गया, कोलाहल पंडित बिल्कुल तान खींच कर बैठ गया, बोला मरना है तुझे आज, आपसे मर्डर करके ही रहूंगा, मूर्ख ऐसे ऐसे प्रश्न किया तुमने, ये प्रश्न मेरे लिए नहीं, ये राजवंश के लिए, महाराज के लिए अपमान सूचक है, इस अपमान के बदला निश्चित रूप से नहीं आ जाएगा, उसको निश्चित नहीं आ जाएगा, हम राजा के सामने ही है, जो राज दंड देंगे रानी तो उनको दान कर बैठे थे, तो कुछ करेगा चाह। अब क्या किया उन्होंने, बिल्कुल शास्त्र की सच प्रमाणित किया कि कोई स्त्री का अगर केवल एक पुत्र होता है तो उनको अपुत्रिक बंध्या करके माना जाएगा, मंत्र से बोल को प्रमाणित कर दिया। तो बोला राजपंडित, बोले मालूम है नहीं बात, चुप है तो सही, ठीक मान गए, पहले स्टेटमेंट प्रमाण, दूसरा बोले ये तो हो गया, दूसरा कैसे प्रमाण करके राजा जी बैठे सामने, बोले देखो यद्यपि हमारे पांडे नरेश महापुण्यवंत पुरुष है, बहुत बड़े धर्माचारी हैं, धर्म प्रेमी है, लेकिन इस देश में आप जैसे सब अधर्मी पंडित हैं, सब गर्वी अहंकारी पंडित है, बहुत प्रकार के पाप अपकर्म करते रहते हैं, नीति करते हैं, तो राजा होने के नाते ये नियम है, ये मनुस्मृति का नियम है कि जो नेता होता है, राजा होता है, पति होता है, उनके ऊपर जो निर्भर करते हैं, जो उनके ऊपर जो अधीनस्थ हैं, उनका 1/6 सिन उनके ऊपर जाएगा, 1/6 उनके पास आएगा। जैसे आपके परिवार के आप स्वामी हैं, परिवार के लोग पाप करने से उनका 1/6 आपको होगा, जैसे राजा जो भी डिपार्टमेंट हेड होगा उनके ऊपर डिपार्टमेंट का 1/6 सिन ऑटोमेटिक डिपोजिट होगा आएगा। तो इसलिए यद्यपि ये महाधर्म पारायण है, लेकिन पूरा राज्य में इतने इतने आप जैसे पापी अनिति पाप लोग हैं, तो उनका पाप का 1/6 जमा हो करके घड़ा हो चुका, इतने पाप इकट्ठा हो चुका है, तो इस प्रकार से उन्होंने अधर्म की बोझ लिए, स्वयं धर्म प्राण होते हुए भी राज्य की पापी प्रजाओं के 1/6 भाग ले करके अधर्म का बोझ लेके बैठे, इस प्रमाण इसी कारण से अधर्म है। राजा ने स्वीकार किया, सब प्रजा ने मंद सही, शास्त्र समय प्रमाण करते, राजा को बुरा नहीं लगा, प्रमाण से तो लास्ट कैसे करेगा, रानी साहब को कैसे बसे, उनको कैसे प्रमाणित करेगा कि उनके एक पति से ज्यादा है, राजा जी बैठे स्वयं रानी बैठी। बोले देखिए हमारे जो रानी माता है वो राजा की पत्नी है, जब राजा का विवाह होता है तो राजा के साथ पंच देवता बैठते हैं, कोई राजा पंच देवता का प्रतिनिधि है, इंद्र कुबेर वरुण चंद्र, उनके पांच देवता का प्रतिनिधित्व राजा करता है,
तो राजा शादी नहीं करता है, उनके तरफ से इंद्र भी शादी करते हैं, वरुण कुबेर चंद्र सूर्य ऐसे भी पंच देवता भी शादी करते हैं। तो हमारे महारानी केवल राज रानी नहीं है, पंच देवताओं की रानी है, देवी हैं। तो इसलिए एक पति उनके नहीं है, पतिव्रत पांच पांच पति छह पति हो गए, तो ये है और पांच देवता है। तो उनको सुनकर रानी बहुत अच्छा देवी हो गए। इस प्रकार तीन स्टेटमेंट को मंडन कर दिए, खंडन नहीं कर पाए, उनकी तरफ से मंडन किए। शास्त्र से वो कोलाहल पंडित के मुख से कोई जवाब ही नहीं आता, चुपचाप मानना पड़ा। अरे भरपूर स्वभाव में तालियां बज उठी, अब तो ऐसे मर गया उन्होंने, लाल लाल पड़ गया था उस समय, कोई काला पड़ गया, सब बिल्कुल अंगार हो गया, गोरे गोरे चेहरा था, बिल्कुल काला काला पड़ गया। अब तो राजा ने इसे अभूतपूर्व विजय देख कर उस बालक का और राज पंडित का ऐसे चकनाचूर पराजय देखकर रानी तो तुरंत उठ अलवन्नार 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 शब्द कहते महापुरुष महापुरुष महात्मा को अलवन्नार कहते, ऐसे करके सब उठे और रानी का विजय हो गया। अब राजा को अपना चैलेंज के अनुसार उनका आधा राज्य देगा, अपनी बेटी को शादी कराना होगा। उससे पहले कि बोला देखो सबसे पहले पूरे राज्य की जनता के सामने प्रवेश करता हूँ कि ये पंडित ने तुझे मर्डर करने के लिए पहले चुनौती दिया था, अभी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप चाहो तो उसको मार दो चाहे वो बचा, फिर जब कोई राजा ने उनको सौंप दिया। कोलाहल पंडित बिल्कुल काला पड़ चुका था, तो उन्होंने सभी के सामने से जमुनाचार्य उठ करके बोले नहीं जो भी हो पंडित है, मैं तो उनको घृणा नहीं करता, उनके जो अहंकार था जो गर्व था उसी को नाश करने के लिए आया था, आज से नियम उठा दिया जाए, किसी ब्राह्मण पंडित को पंडित टैक्स का अबलिश कर दिया जाए, इस प्रकार गर्व अहंकार जिसका होगा उसका पंडित विमान से इस प्रकार के सफलता है, उसको प्रमाण करके तो उनको छोड़ दिया, जीवन दान दे जाओ, आज से तो जैसे पंडित करके जियो, लेकिन इस प्रकार अहंकार भ्रमण नहीं करना, छोड़ दिया उसको। और छोड़ देने के बाद में राजा के प्रमिश के हिसाब से उनको आपने राज जामाता बनाया गया और उनको आधा राज्य के राजा बनाया गया, राजा बन गए उस दिन से। और क्या टैक्स बात सब सुन के पूरे देशवासी इतने खुश हो गए, उस दिन से 12 साल का लड़का राजा बन गए। राजा बने तो उनकी प्रतिभा था, उन प्रतिभा से तुरंत उनके राज्य का अभिवृद्धि किए, और धीरे धीरे जो दूसरे राजा थे वो वृद्ध होकर छोड़ दिए, तो उनको पूरा राज्य उनको मिल गया, पूरा राज्य के राजा बन गए। और राजकार्य में इतने बिजी हो गए, ये लड़ाई करना इधर से ये करना वो करना, भूल गए अपना जो पांडित्य जो पढ़ाई जो पूजा भक्तिभाव सब छूट गए, मैंने जो लगा से चले इसमें, इसलिए थोड़ा सतत मन बैलेंस कर लेना चाहिए, कोई दायित्व लें दायित्व में ज़्यादा उलझ जाएंगे तो वो भी सब छूट जाएगा, फिर मन छूट जाए, तो इस प्रकार उलझ गए छूट गया सारे। और जो नम्बी याद है ना, नम्बी को उन्होंने बताया था नाथ मुनि के शिष्य जो थे, जिनको उन्होंने उत्तरदायित्व देकर गए थे कि उनको तुझे भक्त बनाना है, वो देखा कि अब तो स्कूल स्टूडेंट था 12 साल, तो राजा बन गया 12 साल में, अब क्या करूं, राजा बनने के बाद तो उनके पास पहुंचा ही उसके लिए कैसे जाएगा, उनसे बात चलते जा भी नहीं पाता था। तो कुछ साल राजा बने तो लगभग उनको 20 साल हो चुका था, 8 साल तक राज बने, बड़े बड़े राजा बन गए, 8 साल के बदल अभी तो 20 साल हो गए, अब तो जाकर प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, कई बार लाइन लगा जाकर तो उनको राजदरबार एंट्री नहीं होता, कोई चौकीदार तो कितने गेट पास कर जाना पड़ता, नहीं हुआ, बोले मिल नहीं सकता उनको, किसी प्रकार से मिलना संभव नहीं, कैसे बताऊं। बहुत उपाय सोच करके उन्होंने क्या कि एक तुड़ बलाई करके एक साग होता है, वो साग आप जानते हैं, एक साग होता है इसका नाम तुड़ बलाई, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं नहीं चुनचुनिया साग, इसका कोई इस पर्टिकुलर साग है आप लोग को जानते हो कि नहीं, यूपी राजस्थान वाले साग कम ही खाते हैं, पालक और मेथी जानते हो कि जानते हैं, ये इसी प्रकार का तुल वाला साग होता है, वो साग जो खाएगा ना उनके बुद्धि प्रभाव और सतगुण बुद्धि होता है, ये साग का विशेषता है। हाँ साग जो खाता है उनके तीक्ष्ण बुद्धि होता है, प्रभाव बुद्धि होता है, सतगुण बुद्धि होता है, ये साग में चेतन चरितामृत मेंशन है चेतन भागवत में, एक हिलंचा एक शिलंचा दो साग के नाम, चेतन महाप्रभु कहते हैं ये दो साग जो खाते हैं उनका अंदर कृष्ण भक्ति हो जाता है, केवल साग साग का नाम मेंशन किया है, हिड़मिचा मिलता साग,
तो इस प्रकार एक दुगला साग है, उसको जो खाते हैं सतगुण वृद्धि होता है, बुद्धि प्रमाण बढ़ता है। तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके दूर दूर से जा जा करके वो नंबी सन्यासी ने वो साग इकट्ठा करते थे, अच्छी क्वालिटी के तुगलाए साग इकट्ठा करके लेकर आते थे। वो बोले रात दरबार किचन में जाते थे, रॉयल किचन में, जो किचन का वो किचन में जा नहीं सकते थे, किचन का जो आदमी मार्केटिंग करने जाता था महाराजा मार्केट सब्जी मार्केट के पास राजा के राजकर्मचारी आते हैं खरीदी करने वाले, उनको पास मिलता था। मतलब राजा के किचन में कौन सब्जी खरीदने आते हैं, वो आते हैं खरीदने, उनको पकड़ता था। बोला देखो मेरे तरफ से राजा राजा को देना है साग, अच्छा आप देते तो सही। तो लेकर जाता था साधु को, ये सन्यासी दे रहे, लेकर बना के दिया राजभोग, राजा तो राजभोग खाते थे, रॉयल प्लेट कई आइटम में प्रसाद लगता था। तो एक दिन एक डोने में वो साग बना कर कोई दिया उनके जो खानसमा था राज रॉयल जो कुक था उन्होंने बना के दिया। तो राजा ने अपने कई आइटम से जब वो प्रसाद साग को खाया तो उनको लगा ये समथिंग स्पेशल, तो उनको अच्छा लगा। दूसरे दिन भी फिर आया, तीसरे दिन मांग कर खा वो सब थोड़ा वो बहुत अच्छा लगता मुझे तो खाया। तो लगभग 20 दिन तक लगातार कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला के देता था। और राजा को पसंद करता था तो खूब बोलता था कि वही साग लाओ, राजा को साग बहुत पसंद है। तो बोलता था साग तो मार्केट में नहीं मिलता, एक साधु देता है मुझे, वो पैसा भी नहीं लेता फ्री देता, ना उसको डेली लेकर आओ, राजा उसको पसंद करता है। तो 20 दिन तक 3 हफ्ता तक लगातार वो साग दिया और राजा तो उसको बिल्कुल उसका फिर फैन हो गया उस साग का। 3 हफ्ता के बाद देना बंद कर दिया। अब उस पर कोई एड्रेस तो फोन नंबर था नहीं, कहाँ ढूंढेगा वो मार्केट अगर खुद देता था, वो जाकर सभी मार्केट पूरा ढूंढ लिया, आज कल मचारी मिलते नहीं साधु बाबा कहाँ चले गए। राजा बोलते वो आइटम क्यों नहीं मिस कर भाई, हम मिसिंग थी साग, वो क्यों मिस है, खबर भेजा तुरंत आया राजकुमार पूछे, वो पूछे ये आइटम क्यों नहीं बनाया, राजा ने पूछे मैं क्या करूँ, लाया नहीं मार्केट से, उनको पकड़ो हुई मार्केटिंग मार्केट करने में उनको पकड़ो ना, वो मार्केट में ही नहीं कैसे लाता था, साधु देता था क्यों नहीं, साधु कहूँगे पकड़ते वो राजा आदेश में साधु ढूंढने पर इंक्वायरी निकल गया, इंक्वायरी राज तरफ से इंक्वायरी निकला, हो गया साधु सप्लाई क्यों बंद किया, राजा को आइटम चाहिए और ढूंढ कौन ढूंढे, कोई फोन नंबर था नहीं, आईडी प्रूफ था नहीं, कैसे ढूंढे, उनको मार्केट में दे रहा था फ्री से लग दे जाता था राजा के लिए देना करके। ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फिर अरे तुम्हारे लिए राजा कितने ढूंढ रहे तुम, आप साधु तो लेकर चलो लेकर चलो, पर फोन फोन नहीं, राजा से मिलवाता तुझे। वो ले करके किचन में लेकर आया, किचन इंचार्ज कुक के पास लेकर आया, कुक उनके पास परोसने वाले के पास लेकर, परोसने वाले लेकर उनके इंचार्ज, ऐसे 10 इंचार्ज पार करते करते राजा का जो भोजन शाला है भोजनशाला में भोजन का राजा के पास ले गया। महाराज ये जो साग दे रहे थे और आज भी साग दिए उन्होंने, वही महात्मा ने दे रहे थे, वो मार्केट में नहीं मिलता है साग, उन्होंने कहाँ से लेकर देते थे बराबर में, आप उनसे खरीद के लाते नहीं, मूल्य नहीं देते थे फिर फ्री, मैं इतना दिन से उनका फ्री खाता था क्यों, फ्री मुझे राजा हूँ, इतने धन संपत्ति है, ये बेचारे गरीब साधु हैं, दान दक्षिणा में चलते, उनसे फ्री में क्यों खाऊं, उनको उनका उचित मूल्य देना चाहिए, क्यों नहीं मूल्य दिया, मूल्य नहीं लेते थे हम कहाँ से थे, मूल्य हमको बता भी नहीं क्यों, क्योंकि मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है, उसका क्या कीमत है क्या रेट है हमको बता ही, रेट होता बोलते हम देते, रेट ही नहीं हमको पता नहीं बढ़ते रेट, और लेते भी नहीं थे। अच्छा इतने दिन से मैं फ्री खा कर आता था उनका, तो उनको पूछने लगे तो बोला नहीं मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, इसी साथ देता था मैं आपसे बात, हाँ बोली बोली मैं एकांत से बात करना चाहता हूँ, राजा ने साथ खाया बोला ठीक है एकांत से बात करना अच्छा है, इतने दिन बाद साथ दर्शन करेंगे। तो एकांत को बुला करके अपने भवन में लेगा, बोले लगा देखिए अपना भर से मैं सन्यासी हूँ, मैं आपके ग्रैंड फादर नाथ मुनि थे याद आता है, दादाजी थे वो तो बाबा जी हैं ना, वो थे मैं उनके शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे दायित्व दिए हैं मृत्यु समय में, उन्होंने अपने जीवन काल के जितने अर्थ संचय किए थे बहुत बड़ा धन संपत्ति एक जगह में रख गए, तब जब ज्ञान को था नहीं एक जगह में गढ़ करके रख गए नीचे, और मुझे बोले थे कि मैं तो मर जाना हूँ मेरे पोता को अब दे देना बता देना। अच्छा अभी तुम्हारा लड़ाई चल रहा है राज्य सीमा में, मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, चलिए जल्दी धन ले आओ काम में लगे, मैं अभी चतुरंगिणी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ, कहा मुझे बताइए। बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं होगा, ये धन तो केवल आप ही अकेले साथ में जाना पड़ेगा बस, ना केवल मैं अकेले जाऊँगा,
भाई बाद में आप लेके से आएंगे, लेकिन मेरे साथ आप अकेला जाना पड़ेगा, मैं बार सबको दिखा दूँ, फिर आप जैसे लाएं आप जाने। बोले चले कल सुबह चल पड़ेंगे। एक रात राजभवन में रहे वो सन्यासी, दूसरे दिन सुबह बोले कुछ साथ में लेना नहीं, मेरे साथ चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में रखा गया है, कोई नदी के किनारे रखा है। तो लेकर पूछते थे वो कितना दूर चले, ना नहीं एक नदी के किनारे है, एक द्वीप है, वहाँ एक पेड़ के नीचे और एक सप्तफणी नाग उसका टेक केयर कर रहा है धन संपत्ति का, और एक मंत्र से सुरक्षित है वो धन, और एक राक्षस राज हर साल 12 साल में आकर के उसको निरीक्षण करके जाता है, ये संपत्ति से रखा गया है, और आप जाएंगे तो विशिष्ट पत्ता है, इस पत्ता को इस मंत्र के साथ उनको प्रचार करेंगे तो धन प्रकट होगा, फिर प्राप्त हो जाएंगे। तो बोला कोई विशेष धन है कोई रखा होंगे, तो बड़े उत्साह से चलने लगे। जैसे राज्य सीमा से बाहर हुए, कावेरी नदी के किनारे किनारे चलना शुरू हुआ, और कई होता था प्रतिदिन सुबह उठाते थे उनको साधु के साथ संन्यास तरह उठा करके सुबह स्नान दान करा करके भजन में लगा देते, गीता पाठ करवाते थे और नियम से। तो इस प्रकार के सात्विक जीवन जीना, गीता पाठ आदि करना, उनको अर्थांतर सुनाना, भगवत नाम भगवत महिमा सुनाना, क्लास सुन करके उनका प्रतिदिन परिवर्तन होने लगा। एक साथ खाकर महीना दिन थोड़ा सतगुण हुआ था, रजगुण थोड़ा कमित हो गया, और उसके बाद में प्रतिदिन सुबह सुबह कबरी स्नान करके साधु संग और भगवत गीता का अध्ययन भगवत नाम अपने इस प्रकार कराए, महीना दिन के अंदर वो तो भक्ति बन गई। ऐसे नहीं भक्त प्रोग्राम कराया, 1 मंथ ट्रेनिंग, 1 मंथ में इतने चेंज करा दिए उनको, बदल में आदत है, वहाँ से मदुराज चल करके यहाँ तक लेकर आया कबरी स्नान, आकर यहाँ पहुँचे। बोले अब कितने बार ज़्यादा दूर नहीं है, अंत तक वहाँ पहुँचने से पहले उनको जो मैं अर्पित मनोबुद्धि ये श्लोक पढ़ करके उनको समझाए कि भगवान की महिमा, द्वादश अध्याय के श्लोक पढ़ करके अर्थ किए। तब तो सुनकर बोले स्वामी जी मुझे तो लगता है मुझे कोई धन नहीं लाया गया, मैं आपके साथ रहूँगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ ठीक है, आपका विचार अच्छा हो तो लेकर के गए। अंततः इतने दिन करने के बाद, 1 महीने ट्रेनिंग देने के बाद लेकर गए जहाँ मंदिर, मगर मंदिर था नहीं तभी, मंदिर इसी दिन उसने उनके मंदिर के अंदर को लेकर गए, लेकर गर्भगृह को ले गए। गर्भगृह के अंदर में जो 6 गोपुरम है, 6 गोपुरम के पास खड़ा होकर के दूर से दिखाए उनको, बोले ये जो देख रहे हैं जिनको एक नाग महानाग है क्षत्रिय की तरह है, और वो जो ऐसे करके दक्षिण को नजर करके सोए हैं, यही आपके धन, उसी को देखिए, उसको आप लीजिए, जाइए उनको लीजिए, आपके दादा ने इस धन को दे गए थे आप करके, और उनका तुलसी दल और अष्टाक्षर मंत्र उसी के प्रभाव से प्रकट होंगे, इसे करके उनको उनके ओर बढ़ाते। उनको देख करके रंगनाथ भगवान को इस प्रकार दशा में देख करके, उनके तवित भक्तिपुत्र हो चुका था, रंग महिमा देख करके उनके दर्शन करके तुरंत उनके भावोन्माद हो गया, जल्दी से प्रवेश कर गए, जाकर जैसे रंग जी के दर्शन प्रणाम किए तुरंत सेंसलेस हो गए, अचेत हो गए, अचेत होकर गिर पड़ मूर्छित हो गए। अब उठे तो परमाश्रु बनने लगा, भगवान के स्पर्श पा करके उनका बचा कुचा सारे मल निर्मल हो गया, बिल्कुल निर्मल सिद्ध होकर रहने लगे। वही प्रमेश किए, ये धन मुझे मिला, अब मुझे कोई राजधन कुछ नहीं मुझे चाहिए, उस दिन से सब त्याग करते और गए नहीं, रंगनाथ रूपी धन को पा करके रंगनाथ का हो गए। लोग पता चला सारे राज्य राज कर्मचारी मंत्री संतरी सब आकर बोले महाराज के लिए क्या है, बोले छोटा सा राज्य के लिए क्या जाऊं, ये महाराजाधिराजेश्वर जब उनको प्राप्त हो गया ये छोटा राज्य लेकर क्या करूँ, आप जो चाहिए जो सुनाए, आई डोंट केयर, सब बुझा कर दिया। नहीं अब रंगनाथ के होकर रह गए, उनका नाम जामुन मुनि या जमुनाचार्य हो गए। बहुत बड़े अलवर थे, अनेक सूत्र रत्नावली सूत्र रत्नावली रचना किए हैं, और इस वैष्णव संप्रदाय का विशेषकर श्री संप्रदाय का इस परंपरा का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रबंध रचना किए, बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वृद्ध अवस्था हो गया, उनका प्रयास पूरा नहीं हो पाया। भगवान प्रार्थना करते थे कब ऐसे होगा, एक समुचित प्रमाणिक परंपरा में कैसे ये होगा, निश्चित होगा, इतने जितने सब गैर संप्रदाय है उनके सब में प्रचार हो,
जो अज्ञानी जीव है मनुष्य उनके ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार मन में बहुत बड़ा विचार था, लेकिन अवस्था बुद्ध हो गया। उन्हीं के जो इच्छा वही मूर्तिमंत होकर रामानुज होकर प्रकट हुए। कैसे रामानुज होकर के प्रकट हुए, इस बात को आपके पास समय साथ लगता है कम पड़ रहा है, आप सायंकालीन अधिवेशन पूरा करें, 1 बज रहा है अभी, आप लोग का क्या रहा है पिताजी लोग का है? अभी करता हूं। तो श्री रामानुजाचार्य के जन्म आज से लगभग 1011 साल पहले, 1100 साल पहले हुआ था। मद्रास और कांचीपुरम के बीच एक स्थान आता श्री पेरुवंद, जहां पर उनका जन्म स्थान था। वहां पर एक कुलीन शास्त्रीय ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री केशवाचार्य, जागीक ब्राह्मण थे, जदुर्वेदी ब्राह्मण थे। उनका बड़े श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण थे और क्योंकि ये वृद्ध हो चुके थे अलवंदार रमणाचार्य ने, तो वहां पर भी दक्षिण मथुरा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री शैलपूर्ण। उन्होंने इस विद्वत महापुरुष के संग पा करके विरक्त होकर के उनसे संन्यास ले लिए थे। इन शैलपूर्ण ने विरक्त धर्म में जाने से पहले उनके 2 सिस्टर थे, एक का नाम था महादेवी, एक का नाम था कांतिमती, 2 बहन थे उनके। इन दोनों को शादी करके उन्होंने संन्यास लेकर चले गए। कांतिमती का शादी हुआ था केशवाचार्य के साथ, महादेवी का शादी हुआ था कमल नयन के साथ, आसपास गांव दोनों थे, शादी करके चले गए, बाद में संन्यास लेकर चले गए थे। और उनका कोई लड़का ना हुए केशवाचार्य का, वो बेचारे कई प्रयास किए, अंततः पति पत्नी दोनों, आप लोग तो गए ने चेन्नई में बड़े प्रसिद्ध मंदिर है पार्थ सारथी, भगवान बड़े मूछ पूछ लेकर बैठे हैं, बड़े विशाल विग्रह हैं पार्थ सारथी। पार्थ सारथी भगवान के प्रांगण में जाकर के पुत्रष्टि यज्ञ किए, केशवाचार्य यज्ञ ब्राह्मण थे, तो यज्ञ सफल हुआ और उनको पार्थ सारथी भगवान ने स्वयं बोले, हे केशवाचार्य आप चिंता मत करो, क्यों इतना दुखी करते हैं, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, ये सपना देश दिए। तो उन्होंने वापस आए, पत्नी की बात कहे, कुछ ही दिन में अति शुभ लक्षण सुबह समय देख करके भगवान श्री रामानुज से लक्ष्मण के जन्मतिथि के दिन पर उनके आविर्भाव हुआ था श्री रामानुज आचार्य के, तो इसलिए उनके नामकरण रामानुज रखा गया। जिससे लक्ष्मण ने बड़े निष्ठा पर कांड ब्रह्मचर्य धारण करने वाले थे, इतने नीति उनका था। आप लक्ष्मण को जानते हैं, लक्ष्मण भगवान राम और सीता जी के साथ, उन्हीं के साथ साथ ही रहे, उनके साथ ही जंगल में भटके रहे, खाए पिए रहते, अंततः लास्ट में उनको पूछा गया माता जी मुझे मथामणि लेकर, ये आपके भाभी के अनाउंस है ना, लक्ष्मण जी बोले मैं आई डोंट नो, मैं जानता नहीं, कैसे तुम कहना, क्योंकि बोले मैं 14 साल तो उनके साथ था लेकिन कभी उनके मुख देखा नहीं, तो उनका मुंह मस्तक में मणि कैसे भी देखूंगा उनका है कि क्या नानो है नहीं बस, मैं तो केवल शरण दर्शन करता हूँ, ऊपर दिखाई इस प्रकार के थे कुमार ना, 14 साल शयन करते थे, इस प्रकार के इतने कठोर धर्म प्राण थे। तो उनके अवतार थे रामानुज बन करके आए, तो पिता केशवाचार्य थे, बालक बड़े सद्गुण युक्त रूपवान था, तो कांतिमती का बेटा हुआ करके श्री शैलपूर्ण सन्यासी वो आए थे। उसी समय में उनका दूसरे बहन जो था महादेव, उनका भी एक बेटा हुआ, दोनों पुत्र का नामकरण करके गए थे, उनका नाम रामानुज रख करके गए थे। तो बालक कोई 8 साल में वहीं से पढ़ने लगा। उसी समय में कांचीपुर में श्री भरत राजन, कांचीपुर में 2 कांची है, विष्णु कांची है, शैव कांची, तो विष्णु कांची में प्रसिद्ध विग्रह है, इसे कई 16 दिव्य देशम है वहाँ, तो प्रसिद्ध विग्रह श्री भरत राजन, श्री भरत राज भगवान वर देने में जो राजा है, भरत राज विग्रह, उसके सेवा के लिए परबंदर से और 2-4 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां से पैदल में चल करके लगभग
30 किलोमीटर एवरी डे पैदल में आते थे उनके सेवा करने के लिए। शूद्र थे, शूद्र परिवार थे, उनका नाम था श्री कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण करके महात्मा शूद्र जात थे लेकिन थे महात्मा। 40 किलोमीटर एवरी डे सुबह चल करके आते थे, पानी लेकर के ब्राह्मण को देते थे, उनकी सेवा अंदर नहीं जाते थे, केवल ध्यान करते थे, पंखा करते थे भगवान। तभी जो आते इसी पैसे इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, एक गर्भगृह में भगवान रहते, गर्मी होता था, बाहर से अलग पंखा करते थे उन्होंने, ये सेवा करते थे। बड़े निष्ठा पर थे, जाना फिर आना उसी रास्ते में चल के जाते थे, रात को पंखा करते थे, जब तक भगवान दर्शन खुला रहेगा पंखा करते थे। कोई रास्ते में रावण सैनिक के घर के सामने होकर जाते थे और वही सामने होकर आते थे। बालक अवस्था में रावण जो उनके इस भक्त प्रवर को दर्शन करते थे, उनका इतना निष्ठा भगवत सेवा को देख करके तभी जमाने में बड़े बड़े ब्राह्मण पूजक सेवक भी उनको सम्मान करते थे। शूद्र कांचीपूर्ण भी वो भी अलवंदार के शिष्य थे। किसके शिष्य? जमुनाचार्य के शिष्य वो भी, लेकिन शूद्र थे इसलिए बड़ा एक नहीं करते थे। एक दिन जमुनाचार्य बालक अवस्था में बार बार देखे तो कितनी बड़ी अच्छे शांत स्वभाव के सेवाभाव पुरुष है। एक दिन उनको बुलाया अपने घर में, बोले हमारे घर में आज प्रसाद लीजिए। तो उन्होंने इतने सुंदर बालक के उनका व्यवहार देख कर बड़े खुश हुए, स्वीकार के निमंत्रण उनके घर में आए, उनके घर में रात में रुके। जो प्रसाद थे उनकी माता जी ने कांतिमती ने जान कर शुक्र है, अलग से पत्थर दे दिया, अलग से बैठ कर खाने लगे, अपने गोबर पानी वाला स्थान लीप दिए, फेंक दिए। लेकिन रामानुजाचार्य बालक अवस्था में चाहते थे उनका कुछ सेवा करने के लिए, तो जब सोने लगे रात को जाकर बैठे बोले मैं चरण दबा दूं। कांचीपूर्ण धड़पड़ के उठ, राम आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे गुरुजन जैसे हैं, हमें तो बालक बालक होने से ब्राह्मण कुल के हैं, मैं शूद्र कुल के हूँ, शूद्र तो सेवक होता है, ब्राह्मण सेव्य है, मैं आपके चरण सेवा करना चाहिए। बल्कि आप नहीं 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 कांचीपूर्ण में तो गलती कर लिया है, कभी उस घंटे लेकर रामानुजाचार्य हमारे मेरा सेवा करने का सौभाग्य नहीं अधिकार ने, ना नहीं नहीं आप ब्राह्मण है कैसे सेवा कर सकते, मैं आपका सेवा कर सकता हूँ। बोले आप ब्राह्मण क्यों नहीं, नहीं मेरे यज्ञ पवित्र नहीं है ब्राह्मण, ना कोई जो यज्ञ पवित्र ध्यान करता है तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण हो जाता है क्या, जवाब दीजिए। तभी मध्य से निरुत्तर हो गए थे कांचीपूर्ण, समझ गए कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं, क्या साधारण है लेकिन मैं क्या करूँ, समाज ऐसा है। ऐसा करके उस दिन नहीं दिए थे, रावण जी बड़ा दुख लगा कि महापुरुष मेरे घर में आए लेकिन मैं सेवा फिर भी नहीं कर पाए। तो इस प्रकार धीरे धीरे पूर्वेंद्र के पास जो प्रसिद्ध विद्यालय था, शांकर पंडित एक बड़े पंडित थे जिनका नाम था भाष्याचार्य, भाष्याचार्य का स्कूल था, उनके स्कूल में एडमिशन हुए रामानुज ने, वही पढ़ते थे, वही पढ़ते थे। पढ़ते समय में उनके प्रतिभा, उनके व्यवहार में जितने स्कूल स्टूडेंट थे उनके प्रति आकर्षित थे, उनकी प्रतिभा देखकर बड़े आकर्षित हुए। तो फिर पढ़ते पढ़ते कैसे कैसे उनके साथ भाष्याचार्य का कैसे व्यवहार होता है और फिर क्या उसका रिएक्शन होता है और आगे क्या होता है उसे आगे से सेशन से बताएंगे। हरे कृष्ण, 1:10 हो चुका है, बाकी नेक्स्ट।